बच्चों कैसे हैं आप क्या हाल चाल आपके बच्चों आज एक हम बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर का नाम है एम एल कमिश्न ऑफ कंपनी पता नहीं क्यों इस चैप्टर के अंदर में बच्चे परेशान होते हैं उनको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है और ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता है बच्चों को और ज़्यादा परेशानी हो जाती है एग्जाम में जनरली बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं लेकिन मेरे बच्चे मैं आपको विश्वास दिलाऊँ कि इससे सिंपल कोई चैप्टर हो नहीं सकता इससे प्यारा चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता और आपके लिए क्या होगा कि जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा ये आपको टफ नहीं लगेगा ये और भी इंटरेस्टिंग लगना शुरू होगा मैं इसी बात का प्रूफ देने के लिए क्लास की शुरुआत करता हूं बट एक बात कमिट करना पूरे चैप्टर में जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तब आपके दिमाग में इफ और नहीं आने चाहिए जितने आपके संतोष सर आपको बताएंगे आपको दिमाग में रिस्ट्रिक्ट करना है कि हाँ जी उतनी बातें अभी सीखनी है जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे तो दुनिया का किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप उठाएं आप अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं आइए इसी बात को प्रूफ करने के लिए मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूँ चैप्टर का नाम है एम एल कमिशन ऑफ कंपनी इस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या कॉन्सेप्ट है उन सारी बातों को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ

फिर बच्चे जब दो कंपनी मिलकर एक बड़ी कंपनी एक नई कंपनी फॉर्म करेगी ना हम इसी को बोलते हैं आपका एम एलगा मिशन एम एलगा मिशन का मतलब होता है कि आप अलग काम कर रहे थे मैं अलग काम कर रहा था एक ही डायरेक्शन था एक दूसरे का मतलब जो प्रोडक्ट है वही हम लोग काम कर रहे हैं तो फिर क्यों कंपटीशन आपस में करें आओ ना मिलकर काम करते हैं इससे क्या फायदा होता है बच्चे कि आपको एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को आपस में शेयर करने का मौका मिलता है मैनेजमेंट स्किल एक दूसरे का हम आपस में इकट्ठा करके काम को करते हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रियल लाइफ में है जैसे कि हीरो होंडा हीरो अलग कंपनी होंडा अलग कंपनी मिलकर क्या बनाया हीरो होंडा ये अमेलगमेशन है जब दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी को फॉर्म करते हैं हाँ मुझे पता है कि आज हीरो होंडा फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गए बच्चे लेकिन जब कोई एक कंपनी दो पार्ट में डिवाइड करती है दिस इज कॉल्ड डी मर्जर डी अमेलगमेशन एक कंपनी का दो पार्ट में टूट जाना वो टूटने वाली कहानी अभी आपके सिलेबस में नहीं है हम जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो उसके बारे में सीखेंगे। आज तो हमें मिलाना है पढ़ना है पे। एक नाम शायद आपने सुना हो हच कंपनी ये, ये बच्चे ये टेलीकॉम के अंदर थी बहुत पहले की बात है और एक नाम आपने अभी सुना होगा वोडाफोन ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी बहुत पहले से ये कंपनी मेरे बच्चे इसने क्या किया अपने साथ हज कंपनी को मिला लिया हज को मिला लिया और जरा बताओ बिजनेस किस नाम से चल रहा है वोडाफोन के नाम से वोडाफोन के नाम से है ना मतलब एक बड़ी कंपनी जो पहले से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही थी उसने एक छोटी कंपनी को अपने साथ मिला दिया और बिजनेस क्या है जी इसी नाम से कंटिन्यू किया मेरे प्यारे बच्चों जब कोई बड़ी कंपनी किसी छोटे कंपनी को अपने साथ एबजॉर्ब कर लेती है अपने में मिला लेती है इसको हम कहते हैं आपका एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब यानी कि इस चैप्टर में हमें आपका यहां पे एब्जॉर्ब के बारे में भी पढ़ना है आप देखो दोनों में फर्क क्या है कि दो छोटी छोटी कंपनी मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म की यहाँ पे एक नया नाम क्रिएट हुआ एमलगमेशन है एक बड़ी कंपनी जो पहले से मार्केट में थी इसने एक छोटी कंपनी को अपने साथ मिला लिया और बिजनेस अपने नाम से ही कंटिन्यू किया एबजॉर्बशन एक और भी केस शायद आपने कभी सुना हो एक बैंक था बच्चे पहले जिसका नाम था यूटीआई बैंक ये बहुत पहले की बात है शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा या फिर अगर हुआ होगा तो आप चार पैरों हाथ पे चलते थे मतलब छोटे छोटे बच्चे थे आप उस टाइम पे पर मतलब बच्चे इस बैंक के अंदर में ना एक टाइम पे बहुत सारे घोटाले हुए थे बहुत सारे घोटाले और उस घोटाले के अंदर में इतना बड़ा घोटाला था कि हमारे देश में कई लोग मर गए थे सुसाइड करके उनके पैसे खराब हो गए बहुत सारी चीजें हुई थी तो ये एक टाइम पे बहुत बड़ा ब्रांड था और इसने सोचा कि यार कुछ बदमाश लोगों के चलते हमारा ब्रांड खराब हो गया अब हम क्या करें तो पता क्या हुआ सेम कंपनी सेम सेम क्या क्या? कर लिया और अब ये एक्सिस बैंक के नाम से बिजनेस कर रहे हैं एक्सिस बैंक ये तो नाम सुना ही होगा एक्सिस बैंक आपका देखो यहां पे क्या होता है एक कंपनी जिसका कभी किसी रीजन से ब्रांड खराब हो जाता है वो नहीं चाहते कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है आगे आने वाली जो जनरेशन है वो घोटाले के बारे में जाने तो वो क्या करते हैं जी नाम को चेंज करके नए नाम से बिजनेस करते हैं पर बच्चे जब कोई कंपनी सेम काम सेम मैनेजमेंट में नए नाम से करती है हम इसको बोलते हैं आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं इसको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके का होता है एक एक्सटर्नल और दूसरा आपका इंटरनल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा बच्चे जो कंपनी पहले थी कंपनी बिल्कुल सेम है सारे लोग वही है सारा मैनेजमेंट वही है काम वही है बस उन्होंने नाम को चेंज कर लिया तो ये आपका जब भी ऐसा केस होगा तो हम क्या बोलेंगे एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन ये डायग्राम आप मेरे साथ बनाएंगे आपको रिविजन में हेल्प करेगा फिर बच्चे एमलगमेशन ऑफ कंपनी चैप्टर में ये तीनों के बारे में आपको स्टडी करना है तीनों के बारे में यानी कि एमलगमेशन के भी क्वेश्चन आएंगे एब्जॉर्बशन के भी आएंगे या फिर एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन के भी आ सकते हैं अब सुनो दूसरे बच्चों में और आप में क्या फर्क है पता है जो बाकी बच्चे हैं ना बच्चे वो पता क्या करते हैं इसको अलग स्टडी करते हैं इसको अलग स्टडी करते हैं इनको अलग स्टडी करते हैं है। तीनों के अलग तैयारी करते हैं हम ऐसा काम नहीं करेंगे हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन चाहे इसका आ जाए चाहे इसका आ जाए चाहे इसका आ जाए हमारे लिए क्या होगा वो सेम माना जाएगा लिखो ना इस डायग्राम के ठीक नीचे में नोट लिखेंगे आप यहां पे फॉर अकाउंटिंग परपज फॉर अकाउंटिंग यानी कि जो इसका रिकॉर्डिंग होता है फॉर अकाउंटिंग परपज परपज कहते हैं कि अब अब ऑल three conditions, all three conditions, conditions are are assumed are assumed are assumed to be same. आपके लिए मेरे बच्चे याद रखना कि इस चैप्टर को पूरा चैप्टर स्टडी करते समय आपको यही मानना है कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ जाए चाहे इसका चाहे इसका, इसका, इसका फर्क नहीं पड़ता आपको सेम तरीके से अकाउंटिंग करना सेम चीज लेके चलना है मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हाँ एक बात याद रखना सिर्फ एक बात याद रखना कि देखो इन तीनों ही केसेस में जिनका अस्तित्व खत्म हो गया जिनका नामो निशान मिट गया जैसे कि देखो ना यहां पे एक्स एंड वाई दोनों कंपनी ने मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म किया तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो एक्स है ना इसको हम कहेंगे ओल्ड कंपनी वाई को भी कहेंगे हम यहाँ पे ओल्ड कंपनी जिनका नाम खत्म हो गया आप कह दो तो वो ओल्ड कंपनी है और जो अब मार्केट में नया नाम अभी चल रहा है आप उसको न्यू कंपनी के नाम से जानेंगे चैप्टर में किसी का भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए चैप्टर अब सिंपल बन चुका है क्योंकि आप क्या बोलेंगे जी जिनका नाम खत्म हो गया हम उसको ओल्ड के नाम से कहेंगे जो नाम चलते रहा हम उसको नए के नाम से कहेंगे देखो ना यहां पे मुझे बताओ यहां पे किसका नाम खत्म हो गया हज का तो आपको कहना कि भैया ये ओल्ड कंपनी है मतलब इसको ओल्ड के नाम से जानेंगे वोडाफोन जो नाम अभी चल रहा है हम इसको न्यू कंपनी के नाम से कहेंगे ये न्यू कंपनी है यहाँ पे यूटीआई बैंक को आप ओल्ड कंपनी के नाम देंगे और जो आपका एक्सिस बैंक है आप इसको न्यू कंपनी के नाम देंगे मतलब चैप्टर आपका एमलगमेशन एब्जॉर्ब या एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन के बजाय चैप्टर क्या ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी में आके आपका टिक गया है ना बच्चे तो आप प्लीज कॉपी करें इस बात को ध्यान रखना कि जिस कंपनी का नाम खत्म हो गया हम उसको ओल्ड कंपनी पुकारेंगे जो नाम चल रहा है अभी उसको हम न्यू कंपनी के नाम से पुकारेंगे ठीक है ना अब आई जरा यहाँ पे हम लिखेंगे टॉपिक्स टॉपिक्स टू भी टू बी बी कवर्ड कवर्ड हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है टॉपिक्स टू बी कवर्ड हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर को मैंने ब्रॉडली तीन पार्ट में मैंने मतलब आपके सिलेबस ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है पहला पार्ट लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ परसेज कंसिडरेशन पहला टॉपिक आपका कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन सॉरी क्या होता है लिखो तो पहले परसेज कंसिडरेशन और इस परसेज कंसिडेशन को हम लोग शॉर्ट में ना पीसी बोलेंगे फोर परचेज सी फोर कंस्ट्रेशन इवन एग्जाम में भी कभी कभी बोलता है सेकेंड पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि इसके रिकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ ओल्ड कंपनी मेरे बच्चे जो आपकी ओल्ड कंपनी है ओल्ड कंपनी का मतलब क्या जी? जो कंपनी बंद हो गई उनके बुक में इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी और तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है अकाउंटिंग 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 ट्रीटमेंट 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 इन द बुक ऑफ न्यू कंपनी इन द बुक ऑफ न्यू कंपनी यानी कि जो कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में आई है यानी कि जिनको भी हमने न्यू कंपनी कहा तीनों ही केस में उनके बुक में इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी उसके बारे में हम यहां पे स्टडी करेंगे मेरे बच्चों में बता दूं ये एम एल कंपनी ये आपका कंप्लीटली एज फोर्टीन का स्टडी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन तो जब एज फोर्टीन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन पढ़ना होगा वहां पे मैं आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही आपका एज फोर्टीन है इस चैप्टर में जितनी सारी बातें हम करेंगे जितनी सारी बातें करेंगे जो किया या जो भी करेंगे वो सब का सब आपका एज फोर्टीन है मैं आपको एंड में इसका थ्योरी यानी कि ए एस फोर्टीन भी पढ़ के दिखाऊंगा आप चिंता ना करें फिलहाल यहाँ पे कॉपी करेंगे आप आप सर हो गया आगे बढ़ें आप। आज 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 मेरे बच्चे ना इस इस तीन में से हम हम लोग एक एक टॉपिक टॉपिक को को उठा के काम करेंगे आज हम इस को उठाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन तो आओ ना मैं एक नया पेज लेता हूं और नए पेज में हेडिंग डालता हूं यहां पे हेडिंग डालेंगे आप भी नए पेज में हेडिंग डालिए परचेज कंसिडरेशन परचेज कंसिडरेशन है ना इस टॉपिक को ऊपर में लिख लीजिए आप यहाँ पे इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और ब्रैकेट में क्या बोलेंगे पीसी आपका शॉर्ट में पीसी बोलेंगे सर ये क्या होता है परचेज कंसेशन लिखेंगे आप यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा पॉइंट नंबर वन इसके अंदर में मीनिंग लिखेंगे मीनिंग। मीनिंग। कहता है कि इट इज इट इज द अमाउंट इट इज द अमाउंट इट इज द अमाउंट पेबल बाय इट इज द अमाउंट पेबल बाय न्यू कंपनी न्यू कंपनी न्यू कंपनी इट इज द अमाउंट पेबल बाय न्यू कंपनी टू टू द शेयर होल्डर्स टू द शेयर होल्डर्स साथ, साथ लिखेंगे आप शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स का मतलब जी चाहे वो इक्विटी हो इक्विटी और प्रेफरेंस है ना कंपनी के दो मालिक होते हैं ना बच्चे तो इट इज द अमाउंट पेबल बाय न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी ऑफ ओल्ड कंपनी ऑफ ओल्ड कंपनी फॉर फॉर परचेजिंग फॉर परचेजिंग फॉर परचेजिंग देअर बिजनेस देर बिजनेस बिजनेस आई जरा मैं इसका मीनिंग समझाता हूं इसका मतलब क्या निकल गया था ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बहुत सिंपल सी बात है आपको अच्छा लगेगा समझना देखिए इसका मतलब बता रहा हूं देखो वोडाफोन ने बच्चे वोडाफोन ने इस कंपनी ने किसको परचेज कर लिया जी हज कंपनी को हज को परचेज किया जरा सोचो ना जब ये कंपनी इनको परचेज करेगी एक मार्केट में ऑलरेडी कोई कंपनी चल रही थी जिसका नाम था हज कंपनी उसको वोडाफोन ने परचेज कर लिया तो बच्चे जब वोडाफोन हज को परचेज किया तो हज कंपनी के जो मालिक हैं जो शेयर होल्डर्स हैं मालिक कंपनी में कौन होते हैं शेयर होल्डर्स होते कौन से दो ही तो होते हैं इक्विटी तो जब ये को करेगी तो ओल्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स पेमेंट करेगी ना बच्चे आप जब इनकी कंपनी को ले लोगे अपने साथ मिला लोगे तो इनके जो मालिक होल्डर्स है, है उनको कुछ पेमेंट करोगे ना ये सर जो भी कुछ इनको पेमेंट किया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे परचेज कंसेशन बहुत सिंपल शब्दों में बात कर रहा हूँ कि मैंने आपकी बिल्डिंग परचेज कर ली मैंने आपके घर आपका जो बिल्डिंग है मेरे बच्चे वो परचेज कर लिया तो अब आपका बिल्डिंग मेरा हो गया जब आपकी बिल्डिंग मेरी हो गई तो अब आपको यानी कि उस बिल्डिंग का जो मालिक था उसको कुछ पेमेंट करूंगा ना जो उस बिल्डिंग की वैल्यू है तो वही वैल्यू को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन हमने जो आपको परचेज किया उसके बदले में जो भी कंसिडरेशन हमने आपको पे किया आपको मतलब क्या जी आपके शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं एक आपका इक्विटी होता, होता है तो जब भी नई कंपनी ओल्ड कंपनी को परचेज करेगी उसके बदले में ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो भी कुछ पे करेगी हम उसी को क्या बोलेंगे परचेज कंसेशन यही तो लिखा है इट इज द अमाउंट पेबल बाय न्यू कंपनी टू शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी फॉर परचेजिंग को जो भी कुछ पे किया होगा हम उसको परचेज कंसेशन करेंगे सवाल उठता है कि ये कंपनी जब इनको परचेज करेगी तो इनको क्या पे करेगा जी परचेज कंसेशन पी इसकी एक वैल्यू लगेगी आखिर ये वैल्यू निकलती कैसे है रियल लाइफ में कोई कंपनी बिक गई जी मैंने उसको परचेज कर लिया तो जब कोई कंपनी बिकी और मैंने उसको परचेज किया तो उस कंपनी की एक कीमत जो लगाई गई होगी बच्चे वो कैसे निकाली जाएगी वो वैल्यू कैसे पता किया जाएगा तो हमारा सेकेंड यहाँ पे पॉइंट है लिखेंगे यहां पे नंबर टू मैथड्स ऑफ मैथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मैथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन मैं अब आपको बताना चाहता हूं या बताऊंगा आगे अभी कि आखिर जो कंपनी बिक गई उसकी वैल्यू आखिर वो कितने में बिकी उस वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा यानी कि परचेज कंसेशन निकालने के क्या तरीके होते हैं मेरे बच्चे दो मेथड हमारे पास है दो मेथड आपका एक है आपका यहां पे नेट एसेट्स मेथड नेट एसेट मेथड नेट एसेट मेथड आपका और एक है यहां पे नेट पेमेंट मेथड नेट पेमेंट मेथड नेट पेमेंट मेथड ऐसे आपके स्टडी मटेरियल में तीन मेथड उन्होंने बताया हुआ है हम उसके जिक्र जो है वो थ्योरी के रूप में बाद में आपसे करेंगे लेकिन फिलहाल इस चैप्टर को समझने के लिए आपने प्रॉमिस किया है कि जितना आपकी बातें आपके सर बोलेंगे उतनी बातों पे आप विश्वास करेंगे तो मेरे बच्चे परचेज कंसेशन निकालने के दो मैथड है एक आपका नेट इफिट्स दूसरा आपका नेट पेमेंट आओ ना पहले मैं आपको यहाँ पे नेट इफिट्स मेथड के बारे में बताऊँ तो आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर ए फिर से यहाँ पे नेट एफिट्स मेथड नेट एसेट्स मेथड, नेट एसेट्स मेथड। ये मेथड क्या है कैसे काम करता है हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं बहुत सिंपल सी बात है बहुत सिंपल सी बात है सुनो ना क्या एक बात बताओ कि अगर मान लो वोडाफोन ने हज कंपनी को टेक ओवर किया अगर इस कंपनी ने इनको परचेज किया तो इस कंपनी का क्या परचेज किया बोलो बोलो अगर मान लो वोडाफोन ने हज कंपनी को परचेज किया तो हज का क्या परचेज किया मैं आपको दिखाता हूँ इनका एक बैलेंस शीट है इनके बैलेंस शीट में क्या है जी इनके एसेट्स यहाँ पर रहे होंगे लाइबिलिटी यहाँ पर रहेंगे यही रहा होगा ना यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल रहा होगा तो बच्चे जब भी कोई कंपनी किसी कंपनी को परचेज करेगा तो क्या परचेज करेगा आपके एसेट्स आपकी लाइबिलिटी अब आपके जितने भी एसेट्स है जी वो मेरे हो गए आपके जितनी लाइब्रेटी है सब मेरी हो गई तो एसेट्स और लाइब्रेटी को ही तो परचेज करूंगा वही तो बिजनेस है नेट एसेट्स मेथड कहता है कि अगर आपको पता करना है कि हज कंपनी कितने में बिकी उसकी क्या वैल्यू लगाई गई तो इसका फॉर्मूला होता बच्चे आप मेरे साथ एसेट्स एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय टेकन बाय Taken by new company बाय न्यू कंपनी company बाय न्यू कंपनी company ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू market वैल्यू मतलब जिन एसेट्स को हमने टेक ओवर किया अगर हमने आपके बिजनेस को टेक ओवर कर लिया तो आपके एसेट्स को हमने टेक ओवर किया होगा मेरे बच्चे जितने भी एसेट्स हैं ना उनकी बुक में यहां पर वैल्यू क्या है हमें उससे मतलब नहीं है हमें मतलब क्या जी उनकी मार्केट वैल्यू आज मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है तो कहते हैं कि एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी एट मार्केट वैल्यू हमने एसेट्स लिया और साथ ही साथ क्या लिया आपकी लाइब्रेटी को लिया तो इसमें से मेरे बच्चे आप माइनस कर देना लेस लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी न्यू कंपनी लाइब्रेटीज का जो लाइब्रेटी यहाँ पे अभी आपका बैलेंस शीट में दिख रहा है इसमें इनकी बुक वैल्यू क्या उससे मतलब नहीं है आज हमें उनको कितना पेमेंट करना है बच्चे, आप इसमें इसको मैनस करना लेस कर रहे हैं और जो निकल के आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा पी बन जाएगा परचेज कंसेशन बहुत सिंपल सी बात है यार इसमें मैं क्यों इतना टाइम पर बात कर रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा इट्स वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या निकल के आता है मेरे बच्चे आप छोड़ो ना कंपनी की बात बात करता हूं मैं अपनी आपके सर की और आपकी आप यानी कि जो आप प्यारे बच्चे हैं आपकी पता क्या हुआ मैंने आपके पास एक बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग को मैंने आपसे परचेज कर लिया बच्चे बिल्डिंग जो थी ना आपने उसको परचेज किया था कभी मान लो ट्वेंटी में लाख में आपने बिल्डिंग परचेज किया था आज से बारह साल, साल पहले मुझे बताओ क्या वो बिल्डिंग आज मुझे ट्वेंटी लैक्स में दोगे क्या जो आज से दस साल बारह साल पहले आपने ट्वेंटी लैक्स में बिल्डिंग परचेज किया था क्या आज मुझे वो ट्वेंटी लैक्स में दोगे क्या नहीं सर ट्वेंटी लैक्स में नहीं दूंगा फिर कितने में दोगे जो उसकी आज की वैल्यू होगी ये तो कॉमन सेंस है तो मान लो ये जो बिल्डिंग है मेरे बच्चे आज उसकी वैल्यू जो है ना वो फिफ्टी लैक्स रूपीज है तो मुझे कितने में दोगे फिफ्टी लैक्स रुपीज में पचास लाख रुपए में है ना मार्केट वैल्यू अब देखो हुआ क्या कि जो बिल्डिंग मैं आपसे परचेज कर रहा हूं जब आपने इस बिल्डिंग को परचेज किया था तो आपने इस बिल्डिंग को परचेज करने के लिए एक लोन लिया था और मेरे बच्चे अभी भी उस उसपे एट लैक्स रुपीज का लोन है अभी भी आठ लाख रुपए का लोन है जब मैं ये बिल्डिंग को आपसे परचेज कर लूंगा तो बिल्डिंग पे जो लोन है ना उस लोन को अब मुझे पे करना होगा क्योंकि बिल्डिंग मेरी हो गई तो लोन मैं पे जी मैंने आपसे कमिट किया कि आप चिंता ना करो बिल्डिंग जो पचास लाख की है है ठीक इसमें से जो लोन है वो मैं मैं पे कर दूंगा तो मुझे बताओ कि अगर ये बिल्डिंग मैं आप 50 में आपसे फिफ्टी लैक्स में परचेज करता हूं तो क्या पूरे फिफ्टी लैक्स में आपको पे कर दू क्या नहीं सर पूरे फिफ्टी हमें नहीं पे करना क्योंकि फिफ्टी लैक्स मेरे बच्चे एट लैक्स तो मुझे बैंक वालों को पे करना है ना बैंक भी को भी तो देना है तो फिफ्टी लैक्स में एट माइनस करो कितना बच गया फोर्टी टू लैक्स इसी फोर्टी टू लैक्स के अमाउंट को मैं आपको पे करूंगा एज परचेज कंसिडरेशन अब इससे सिंपल शब्दों में तो कुछ बनता ही नहीं है और ये आप अपने घर से रिलेट कर सकते यार आपके पास एक बिल्डिंग था वो मैंने आपसे परचेज कर लिया बिल्डिंग पे कोई कर्ज है अब मुझे पे करना होगा तो बिल्डिंग की आज की जो वैल्यू है ना मार्केट वैल्यू वो मैं लगाऊंगा ये कितना हो गया फिफ्टी लैक्स मान लो आपका और इस पर अगर कोई लाइबिलिटी है अगर कोई लाइबिलिटी है तो उसको जितना आज हमें पे करना है मतलब एट लैक्स माइनस करो कितना बच गया फोर्टी टू यही पी हो जाएगा दिस इज वेरी सिंपल बोलो ना समझ में आ रही बात येस सर सर कुछ सवाल अभी दिमाग में उठ रहे हैं मेरे बच्चे अभी मत उठने देना बस आप लिखो ना नेट एफिट मेथड का मतलब एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी एट मार्केट वैल्यू लेस लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी एट पेबल वैल्यू आओ ना मैं सोचता हूँ कि क्यों ना एक क्वेश्चन मैं आपके बुक से करा दू इन सारे टॉपिक्स को समझाने के मेरे बच्चे मैंने कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे आपके लिए बनाए हैं आप जरा बुकलेट के अंदर में आइए और चेक कीजिए बुकलेट के अंदर में क्वेश्चन नंबर वन आओ ना जल्दी से मैं इस पेज को चेंज करूंगा अगले पेज पे आऊंगा आपके पास जगह अगर है तो आप यहीं पे लिखेंगे एटलीस्ट आपको आधे पेज तो थोड़ा सा चाहिए चाहिए आप मेरे मेरे बुक के अंदर आइए एंड करेंगे साथ क्वेश्चन नंबर का पढ़ो क्या बता रहा है ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाए हुए पढ़ेंगे आप कहता कि बैलेंस शीट ऑफ हच लिमिटेड हच लिमिटेड कहने का मतलब क्या जी ओल्ड कंपनी है है ना बच्चे ओल्ड कंपनी मतलब जो बिक गई तो एक काम करो ना यहाँ पे जो लिखा ना बैलेंस शीट ऑफ हज लिमिटेड आप अपने बुक के अंदर में आप यहाँ पे हज के आगे लिख दो ओल्ड कंपनी लिख दो लिख दो यादव डाल लो आप, आपको फायदा मिलेगा इसका मैं दिखाऊंगा कि क्या होगा कि पहले ही क्वेश्चन को पढ़ते समय ओल्ड कंपनी कौन है नई कंपनी कौन है आपको जज करना होगा क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन ही बनाया है कि ये हज कंपनी है तो आप लिख दो इसको ओल्ड कंपनी हज कंपनी ठीक है अब देखो इनके बैलेंस शीट में क्या है लैंड बिल्डिंग कहता है कि फाइव लैक्स का अमाउंट है मशीन है फर्नीचर है डेटर है कैश है गुडविल है यहाँ कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है रिजर्व है डिवेंचर्स है और क्रिएटर्स आपका है दोनों साइड इक्कीस लाख इक्कीस लाख रुपए कहता है बिजनेस ऑफ हस वोडाफोन लिमिटेड तुम चीज़ बताओ यहां पे नई कंपनी कौन है वोडाफोन जल्दी से लिखो ना यहां पे वोडाफोन के ऊपर न्यू कंपनी लिख दो ये हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाए स्टार्टिंग से प्रैक्टिस हो जाए कि पहले मैंने क्या किया जी ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी को समझा की कौन ओल्ड कंपनी कौन नई कंपनी ठीक है है अब नीचे कहता कि एसेट्स वेर वैल्यूड एज अंडर इनका लैंड बिल्डिंग कहता है कि सेवन लैक्स देखो जरा इनके बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग कितने का था फाइव लैक्स का वो फाइव लैक्स की बिल्डिंग की वैल्यू आज कितना बता रहा सेवन लैक्स तो ठीक है बुक में फाइव था बट आज की वैल्यू सेवन लैक्स है फिर कहता है आपका मशीन कहता है कि आज 150 का देखो ना बैलेंस शीट में कितना है टू लैक्स कोई बात नहीं वैल्यू बढ़ जाए चाहे घट जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो वैल्यू आज बताएगा मेरे बच्चे वही वैल्यू आपको लेना है यानी कि वन और गुडविल जो इनके बैलेंस शीट में फाइव लैक्स से कहता है कि वो एट की वैल्यू है ठीक है नीचे आइए कहता है कि पॉइंट नंबर टू में लाइवलिटीज वे टेकन ओवर एट देयर बुक वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि जो भी हज कंपनी के बैलेंस शीट में लाइब्रेरी दिख रहा है वो उसके बुक वैल्यू पर ही टेक ओवर किया गया है मतलब उनका जो आज पेबल अमाउंट रहा होगा ना वो उतना ही जितना बुक में दिख रहा है बोलता कि कैलकुलेट परचेज कंसेशन तो आओ ना मैं यहाँ पे आपको आ, सिखा रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट में लिख दू मैं पी सी परचेज कंसेशन यस सर बाय ये कौन सा मेथड हम लोग सीख रहे हैं बच्चे नेट एफेट मेथड यही मेथड है ना ये सर हम लोग सीख रहे हैं आज नेट एफेट मेथड पहले आपका इसके बारे में शुरू करते हैं देखो इस मेथड में हमें क्या करना है जी हमने बोला था कि एसेट्स ऑफ एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी ओल्ड कंपनी यानी कि हच एसेट्स ऑफ हच है ना टेकन बाय टेकन बाय न्यू कंपनी कौन है वोडाफोन वोडाफोन एट कौन से प्राइस पे मार्केट वैल्यू उनकी जो आज मार्केट वैल्यू है बच्चे जो उनकी फेयर वैल्यू है हम उसपे क्या करेंगे उनको टेकओवर करेंगे एक काम करो ना एसेट्स के नाम ना आपको बैलेंस शीट से देखने हैं जब हम देखेंगे कौन कौन से, से, से जी, तो आप नाम जो है ना बैलेंस शीट से देखेंगे वैल्यू आपको नीचे देखना है कि उसकी आज की वैल्यू कितना बता रहा है सर एक सवाल है अभी दिमाग में मत आने दो ना अभी जितना बोलना उतना सुनो तो मैंने कहा ना चैप्टर बहुत आगे है बहुत सारी बातें आएंगी सारे सवाल अपने आप खत्म होंगे थोड़ा समय तो दो आपने प्रॉमिस किया था कि सर जितने आप आज बताएंगे हम उतनी बात पर ही फोकस करेंगे लैंड बिल्डिंग मुझे बताओ लैंड बिल्डिंग जो इनके बैलेंस शीट में फाइव लैक्स का है मेरे बच्चे आज उसकी वैल्यू कितनी है सेवन लैक्स रुपीज देखो ना तो लैंड बिल्डिंग हमने कितने पे टेक ओवर किया आपका सेवन लैक्स पे है ना आज की वैल्यू आपका अगला नाम बताइए बैलेंस शीट में क्या है मशीन मुझे बताओ मशीन जो बैलेंस शीट में आपका टू लैक्स का है वो आज की वैल्यू कितना बता रहा है वन फिफ्टी तो वन फिफ्टी आप ये मत बोलना कि सर वैल्यू कम हो गया फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे जो भी वैल्यू आज होगा कम ज्यादा वही लिया जाएगा बैलेंस शीट में बताइए अगला नाम क्या है फर्नीचर ठीक है मुझे बताओ बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है वो कितने का दिख रहा है बैलेंस शीट में थ्री लैक्स का उसकी आज की वैल्यू क्या बता रहा है सर नहीं बता रहा है बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे मेरे बच्चों अगर कोई एसेट्स जो बैलेंस शीट में है और अगर उसकी आज की वैल्यू आपको अलग से नहीं बताता तो आप वही वैल्यू मानेंगे जो इनके बुक में दिया हुआ है जैसे कि आ, मशीन का लैंड बिल्डिंग का उन्होंने नीचे बताया ना तो हमने नीचे वाला वैल्यू लिया अगर जो फर्नीचर बैलेंस शीट में है आज थ्री लैक्स जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो ना बताया कि आज उसकी वैल्यू कितनी है तो वही वैल्यू मानेंगे जो बुक में दिया हुआ है मतलब कि उनके बैलेंस शीट के अंदर में यानी कि थ्री लैक्स रुपेज थ्री लैक्स सर डिजोल्यूशन एक चैप्टर हुआ करता था मैंने कहा ना वो चैप्टर ये नहीं है अभी हम पढ़ रहे हैं एम एल है ना तो जो चीज बता रहा वही और इस सब बात को नोट में लिखाऊंगा आप चिंता नहीं करना तो आप लिखेंगे मशीन हो गया फिर आपका फर्नीचर हो गया अगला नाम बताइए बैलेंस शीट में डेटर्स आपका मुझे बताओ बैलेंस शीट में जो डेटर्स आपके फोर लैक्स के हैं क्या आज उनकी वैल्यू बता रहा है क्या नहीं बता रहा सर तुम क्या मानेंगे फोर लैक्स रुपए हम भगवान तो है नहीं भगवान तो है नहीं ना बच्चे तो आप या तो हमें बताओ उसकी वैल्यू कितनी तो फिर क्या जितना बुक में मान लेंगे कि वही वैल्यू है और फिर आपका बैलेंस शीट में अगला नाम कैश बता रहा है मुझे बताइए कैश जो बैलेंस शीट में आपका टू लैक्स का है, आज नीचे वैल्यू बता रहा नहीं सर तो टू सर, कैश भी टेक ओवर करेगा सब कुछ सब कुछ मेरे बच्चे जब मैं किसी कंपनी के बिजनेस को परचेज करता हूं ना बिजनेस को तो बिजनेस वर्ड का मतलब होता है कि आपके बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं वो सब एज इट इज उठ के जाएंगे आपके बैलेंस शीट में जितनी भी लाइबिलिटी है वो सब उठ के मेरे पास आ जाएंगे तो सारे फिट सारे लाइबिलिटी यानी कि तो कैश आपका कितना हो गया जी ये आपका आ गया और गुडविल जो बैलेंस शीट में फाइव लाख रुपीज का है जरा बताओ जल्दी से उसकी वैल्यू आज कुछ बता रहा है सर ये सर एट फिफ्टी तो हम एट फिफ्टी ले, ले लेंगे एट फिफ्टी का अमाउंट आप है ना तो मुझे बताओ जितने भी एसेट्स उनके बैलेंस शीट में है इनकी जो वैल्यू को एड किया तो क्या निकल गया चेक करो आप 26 यानी कि जो इनके एसेट्स ट्वेंटी मेरे बच्चे वो 26 सिक्स रुपीज के हैं इसमें से हमने क्या बोला था मैनेज करने के लिए हमने कहा था कि लाइबिलिटीज जितने भी हैं लाइबिलिटीज किसका ऑफ हच लिमिटेड हच यानी कि ओल्ड कंपनी का है ना टेकन बाई न्यू कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी टेकन न्यू कौन कंपनी कौन, कौन है वोडाफोन वोडाफोन टेकन है ना कौन से प्राइस पे तो कहा था एट पेबल वैल्यू है ना वैल्यू और क्वेश्चन ने कह दिया कि देखो जी आपको चिंता नहीं करना जितनी भी लाइब्रेटी इनके बैलेंस शीट में दिख रही है उन सबको टेक ओवर किया गया है कौन से प्राइस पे उनकी बुक वैल्यू पे मतलब यही मानूंगा कि जो बुक में वही उसकी पेबल वैल्यू है अब देखो ना लाइब्रेटी पहचाना जो है कौन सा है इक्विटी शेयर लाइब्रेटी होता है क्या नहीं सर प्रेफरेंस लाइब्रेटी होता है क्या नहीं सर रिजर्व कोई डिवेंचर, यहां पे आपका 10 डिवेंचर, से. 10 डिवेंचर से. है ना मुझे बताइए कितना है सेवन लैक्स ,00 रुपीज बैलेंस शीट में है और कहता है कि वही मान लो उसका पेबल अमाउंट है सेवन लैक्स रुपए फिर क्या बता रहा है क्रेडिटर्स तो आप क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखिए सर एक सवाल है क्या बताओ सर ये टेन परसेंट का क्या करेंगे कोई यूज नहीं मेरे बच्चे डिवेंचर जो बैलेंस शीट में सेवन लैक्स का सेवन लैक्स की लैबिलिटी है अगर वो टेन परसेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर के ऊपर में कुछ बकाया होता तो क्वेश्चन आपको बताता आप बिल्कुल भी अपने आप को इस चैप्टर में भगवान मत मानो आपको हर एक चीज वो बताएगा आप चिंता ना करो ना है ना जो नहीं बताएगा उस पर क्या करेंगे मैं खुद नोट लिखाऊंगा मुझे बताओ बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने थ्री लैक्स रुपीज तो उनका पेबल भी कितना हो गया थ्री लैक्स का अमाउंट ये टोटल कितना हो गया जी टेन लैक्स तो ट्वेंटी सिक्स में हमने क्या किया टेन लैक्स रुपीज का अमाउंट यहाँ पे माइनस किया एसेट्स एट मार्केट वैल्यू एक बार चेक कीजिए हमने क्या लिखा था एसेट्स एट मार्केट वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज एट पेबल वैल्यू वही काम कर रहे हो बच्चे है ना तो मुझे बताओ इसको माइनस करके जो अमाउंट आ गया परचेज कंसिडेशन पीसी कितना निकल के आ गया आपका 26 यानी कि 16 लैक्स रुपीज का अमाउंट आपका 16 लैक्स ये पीसी निकल के आ गया हो गया क्वेश्चन क्या दिक्कत है इसके अंदर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं कर पाओगे क्या सर क्यों नहीं कर पाएंगे वेरी सिंपल आपका हाँ बच्चे लिखो ना आप यहाँ पे लिखे आप यहाँ पे प्लीज जल्दी कॉपी करें हम लोग नेट एसेट्स मेथड तो को डिस्कस कर रहे हैं और पीसी हमारा 16 आ गया मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले कुछ सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे हैं जो बातें मैंने आपको समझाई उस पर नोट में लिखा दूँ आप आओ ना इस आंसर के एंड होने के बाद आप यहाँ लिखिए मैं उसको यहाँ लिखता हूँ नोट नंबर वन लिखेंगे आप यहाँ पे नोट नंबर वन आपका पहला नोट देखो इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि जो बैलेंस शीट आपको हच लिमिटेड का दिया हुआ बच्चे ठीक उसके नीचे में पहला लाइन पढ़ना बिजनेस ऑफ हच लिमिटेड बिजनेस आपने हज यानी कि ओल्ड कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया इस बिजनेस का क्या मतलब होता है तो लिखेंगे आप यहां पे लिखेंगे नोट नंबर वन द टर्म द टर्म बिजनेस बिजनेस मींस मीन्स

बैलेंस शीट इन बैलेंस शीट और नोट चाहे वो एसेट्स लाइबिलिटी बैलेंस शीट में हो या ना हो हो सकता है मेरे बच्चे जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे उसके बाद कोई नया एसेट्स परचेज किया हो और वो बैलेंस शीट में ना हो तो उसको भी टेक ओवर करूंगा कोई लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट में नहीं है बट अभी क्रिएट हो गई है तो उसको भी मैं टेक ओवर करूंगा मतलब जितने भी एसेट्स जितने भी लाइबिलिटी ओल्ड कंपनी के होंगे उन सबको टेक ओवर किया जाएगा आपके बिजनेस टर्म का मतलब सिर्फ ये होता है जब तक कुछ और आगे साफ साफ शब्दों में ना बता दे सर और साफ साफ शब्द आगे मैं बताऊंगा आप चिंता ना करो जिंदा भी आप आओ तो थोड़ा सा विश्वास तो करो अपने संतोष सर के ऊपर में तो मेरे बच्चे यहां फिलहाल तो आप समझ लेना कि बिजनेस का मतलब क्या होता है ऑल एक एक बात बता दूं मेरे बच्चे ये चैप्टर बहुत बड़ा समुद्र है बहुत बड़ा समुद्र और समुद्र में तैरना सबके बस की बात नहीं है इस समुद्र में इस एमलगमेशन कंपनी में वही तैरेगा जो बिल्कुल को स्टार्टिंग से पकड़ के अपने संतोष सर के साथ बिल्कुल साथ साथ चलेगा मैं आपको विश्वास दिला दूंगा जिस दिन यह चैप्टर खत्म होगा उस दिन चैप्टर के खत्म होने के बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनर कुछ भी सोच कर क्वेश्चन बना दे आप ना बना पाओ ऐसा होगा ही नहीं फिर मेरे होने ना होने का क्या फायदा मेरे बच्चों इसलिए आप दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए अभी चीजों को चलने दो ना थोड़ा सा और समय आगे बढ़ने दो ना सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होंगे फिलहाल आपने प्रॉमिस किया है कि सर जितनी बातें बताएंगे उतनी बात पर ही अभी आप विश्वास करेंगे द टर्म बिजनेस का मतलब सारे सारी लाइवी बैलेंस शीट में हो या ना हो नंबर टू नंबर टू एक सवाल आपके दिमाग को कुरेद रहा है कि सर आपने लैंड बिल्डिंग तो ठीक है सेवन लैक्स हो गया जी मशीन आपका ठीक है फर्नीचर के बारे में डेटर्स के बारे में कैश के बारे में क्वेश्चन कुछ ने बताया तो आपने क्या किया आपको उसको बुक वैल्यू पर ले लिया सर हमें क्या याद रखना पड़ेगा क्या याद क्यों मैं नोट लिखाता हूं ना लिखो ना मेरे साथ यहां पर नोट नंबर टू लिखेंगे इफ इफ मार्केट वैल्यू इफ मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एसेट of any asset or payable value payable value value of any liability any liability is not given is not given is not given in a question in a question comma we assume we assume

का मार्केट वैल्यू या किसी लाइवलिटी के मेरे बच्चे पेबल वैल्यू आपको ना बताए तो आप यही मानेंगे कि उसका मार्केट वैल्यू या बुक पेबल वैल्यू क्या है जी उसके बुक में जो वैल्यू है ना मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रहा है उसी के बराबर आपका है कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर तो प्लीज़ कॉपी कीजिए अभी बहुत सारी बातें आएंगी मैं आगे बढ़ाऊँगा फिलहाल हमने नेट इफ़िक्स मैथड को बताया जरा बताओ अभी तक हमने क्या पढ़ा तीन बातें एक्चुअली दो बातें एक तो हमने बताया जी कि आपके पास क्या होता है बच्चे इस चैप्टर में हमें याद रखना है कि चाहे वो एमलगमेशन हो चाहे वो एब्जॉर्ब हो चाहे एक्सटर्नल चाहेक्शन हो हम हमेशा पहले चैप्टर को ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी में डिवाइड करेंगे हमारे लिए अकाउंटिंग पर्पज तीनों का सेम होगा हमने पी शुरू किया और पी के अंदर में हमने क्या किया जी बताया कि ये पी क्या होता है तो नई कंपनी जब ओल्ड कंपनी को परचेज करेगी तो मेरे बच्चे ओल्ड कंपनी के जो एसेट सेलेब्रिटी को हमने टेक ओवर किया उसके बदले में उनके मालिक को यानी कि शेयर होल्डर्स को जो भी कुछ पे किया जाएगा वो अमाउंट क्या होगा जी पी आपका होगा वही काम के मेरे बच्चे वही पीसी निकालना वही पीसी इसके दो मेथड है एक नेट इफेट्स एक नेट पेमेंट हमने नेट का डिस्कशन किया कि नेट इफेक्ट में क्या होगा जी कि आपके एसेट्स एट एट मार्केट वैल्यू वैल्यू माइनस हमारा पीसी निकल के आ कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर थोड़ा सा शांत हो जाओ दिमाग शांत और आपको एक बार फिर से मेरे साथ अब थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा उस इमेजिनेशन के दुनिया में आना होगा जिसमें मैं आपको लेकर जाऊंगा दिमाग शांत कीजिए दिमाग शांत कीजिए एक बात बताओ ना आपसे पूछता हूं इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर वन के अंदर में कि हज कंपनी को किसने टेक ओवर कर लिया वोडाफोन ने है ना बच्चे वोडाफोन ने क्या किया कहा कि भैया आपके जो एसेट्स हैं वो ट्वेंटी सिक्स लैक्स के हैं लेकिन ट्वेंटी सिक्स लैक्स में टोटल आपको पे नहीं करूंगा क्योंकि ट्वेंटी सिक्स लैक्स में टेन लैक्स का जो अमाउंट हमें आपके लाइब्रेटी को भी तो पे करना है आपके बिजनेस को तो हमने टेक ओवर किया तो 26 10 16 लाख रुपीज का अमाउंट मैं आपको पे करूंगा 16 लाख का अमाउंट पे करूंगा यही हुआ ना बच्चे अरे सुनो ना वोडाफोन ने हस कंपनी के मालिक को कहा कि भैया हम आपको कितना पे करेंगे 16 लाख दिस इज योर पीसी क्या बोला मैंने वोडाफोन ने हस कंपनी के मालिक को बोला शेयर होल्डर्स को बोला कि हम आपको कितना पे करेंगे 16 लाख शेयर होल्डर्स को अरे ये जो आपका पीसी निकल के आया सिक्सटीन लैक्स जरा बताओ ये किसको दिया जाएगा तो हज कंपनी के यानी कि ओल्ड कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना कौन से शेयर होल्डर चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो आप ग्यारहवीं बारहवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कंपनी के अंदर में दो मालिक होते हैं एक इक्विटी दूसरा प्रेफरेंस आपका तो मेरे बच्चे अगर वोडाफोन ने आपको सिक्सटीन लैक्स में परचेज किया ना तो ये सिक्सटीन लैक्स का जो अमाउंट होगा ना वो क्या किया जाएगा आपको दे दिया जाएगा आपको यानी कि कंपनी के मालिक को पता है क्या होने वाला है ये दूसरा मेथड का नाम क्या था मैं भूल गया जी दूसरा मेथड क्या था नेट पेमेंट मेथड पता है इस मेथड में क्या होगा इस मेथड में मेरे बच्चे नेट पेमेंट मेथड के अंदर में आपको क्वेश्चन जो है ना वो ये नहीं बताएगा कि आपके एसेट्स की वैल्यू क्या है लाइवलिटी को कैसे कुछ नहीं बताएगा वो पता क्या बोलेगा वो कह देगा कि भैया ओल्ड कंपनी के जो इक्विटी है ना यानी कि मालिक एंड ओल्ड कंपनी के जो प्रेफरेंस है ना यानी कि कंपनी के मालिक इन दोनों को कितना कितना पेमेंट किया गया वही बता देगा दोबारा सुन लो अच्छा लगेगा नेट पेमेंट मेथड में क्या होगा बच्चे जो अगला मेथड आपका है वो कहेगा कि भैया हम आपको ये नहीं बताएंगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ना, हमें पीसी निकालना है वो सिर्फ आपको बता देगा कि भैया ओल्ड कंपनी के जो इक्विटी है ना मालिक उनको हमने इतना दिया कह देगा कि भैया ओल्ड कंपनी की इक्विटी को हमने टेन लैक्स का पेमेंट किया

मेरे कहने का मतलब है लिखिए आप मेरे साथ यहां पे अगला मेथड लिखेंगे आप जी बी नंबर कौन सा था जी नेट पेमेंट मेथड है ना बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है है ना तो हम यहां पे नेट पेमेंट मेथड की बात करते हैं नेट पेमेंट क्या बोला हमने पता इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा पेमेंट uh, मैं एक फॉर्मेट दे रहा हूं दिस इज टू टू रिप्रेजेंट्स ओल्ड कंपनी ओल्ड कंपनी का देख लो उसके बाद लिखना क्योंकि थोड़ा अभी आपको जगह चाहिए इन यानी क्या जी न्यू कंपनी न्यू कंपनी न्यू कंपनी यहां पे मैं करूंगा कैलकुलेशन कैलकुलेशन और फिर आपका यहां पे निकाल दूंगा अमाउंट मेरे बच्चे इस मेथड के अंदर में इस मेथड के अंदर में क्या होगा ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को जरा बताओ ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन कौन से होते हैं या तो इक्विटी होंगे जी इक्विटी शेयर्स या फिर आपके प्रेफरेंस शेयर्स होंगे या फिर दोनों होंगे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या होगा कि ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को ओल्ड कंपनी के मेरे बच्चे शेयर होल्डर्स को यानी कि इनके जो मालिक है इनको नई कंपनी में जो अमाउंट पे किया जाएगा कितना पे किया जाएगा सिक्सटीन लैक्स अगर मैं अगर मैं ये पिछले वाले क्वेश्चन से लिंक करूँ तो कितना दूंगा सिक्सटीन लैक्स ही तो दूंगा अरे बोलो ना हाँ ओल्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको सिक्सटीन ही तो पे करूंगा जितनी वैल्यू निकल के आएगी तो इस मेथड में क्या होगा कि ओल्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है ना बच्चे उनको ये कैश नई कंपनी ने क्या क्या दिया वो क्वेश्चन आपको बताएगा अब सोचो ना हमें मुझे बताओ एक बार दोबारा आप बताइए कि इन दोनों का मिलाकर अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन से लिंक करूं आपको समझाने के लिए तो इन दोनों को मिलाकर टोटल हमें कितना पेमेंट करना है मुझे बताओ कितना पेमेंट करना 16 है 16 लाख जितनी वैल्यू निकल के आई नई कंपनी आपको 16 लाख का पेमेंट करेगी तो 16 लाख नई कंपनी कैसे पे करेगी क्या देगी बताओ ना मैं आपसे सोच रहा हूं कि अगर वोडाफोन ने हंस कंपनी के शेयर होल्डर को 16 लाख का पेमेंट करना है तो 16 लाख कैसे पे करेंगे क्या दूंगा मैं क्या दूंगा अरे कुछ भी दे सकता हूं कुछ भी दे सकता हूं अगर मुझे इनको सिक्सटीन लैक्स का पेमेंट करना है तो नई कंपनी सिक्सटीन लैक्स के बदले में अपने कंपनी का क्या दे सकती है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स दे सकती है मैं इनको प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकता हूं अरे समझो ना मेरी बात अगर मुझे आपको सिक्सटीन लैक्स का पेमेंट करना है तो सिक्सटीन लैक्स के हमारे कंपनी के शेयर्स ले लो इक्विटी ले लो प्रेफरेंस ले लो मैं आपको डिवेंचर भी दे सकता हूँ पेमेंट करना ना कुछ भी लोना यार कुछ भी लोना आप हमसे कैश ही ले लो ना कैश जो भी चीज चाहे वो नई कंपनी उनको दे सकती है ये ओल्ड कंपनी और नई कंपनी के जो मालिक है ना बच्चे वो बैठ कर डिसाइड करते हैं कि पेमेंट हमें कैसे आपको देना है समझो मेरी बात ना तो ओल्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं इनको नई कंपनी में जो भी कुछ दिया जाएगा ये चिंता नहीं करना ये क्या दिया जाएगा क्वेश्चन साफ साफ शब्दों तो में बताएगा

मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं क्योंकि आगे स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है कि नेट पेमेंट मेथड में सुनो स्लोली मेरी बात सुनो लिखना बंद करो मेरी बात सुनो नेट पेमेंट मेथड के अंदर में नई कंपनी ने ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो भी कुछ पे किया याद रखना ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर में यहां पे आपको आगाह करना चाहता हूं मेरे बच्चे ओल्ड कंपनी के सिर्फ शेयर होल्डर्स ओनली ओनली ये दो नाम टू द मैक्सिम आएंगे क्योंकि कंपनी किसकी है शेयर होल्डर्स की है एग्जाम में क्वेश्चन आपको बहुत बहुत तरीके से कंफ्यूज करेगा आज मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे लेकिन आप याद रखना कि नेट पेमेंट मेथड से अगर मैं पीसी निकाल रहा हूं तो ओल्ड कंपनी के सिर्फ शेयर होल्डर्स को इक्विटी और प्रेफरेंस टू द मैक्सिमम। इनको जो भी कुछ पे किया गया होगा इसमें चिंता नहीं करना क्वेश्चन बताएगा क्या पे किया गया है हो सकता है बोले कि भैया इनको पूरा पूर्व कैश में पेमेंट किया गया तो ठीक है या कहता है कि नहीं जी इनको नई कंपनी ने अपने शेयर्स दी जो भी कुछ दिया उसका कैलकुलेशन अमाउंट और पीसी निकल के आ जाएगा मैं सोचता हूँ कि इतना बोलूंगा तो आप कहीं मुझ पर गुस्सा ना करो कि सर क्या बोले जा रहे हो समझाओ ना ठीक से मैं क्यों ना एक क्वेश्चन करके आपको दिखाऊँ क्यों ना क्वेश्चन नंबर टू करके दिखाऊँ जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपके दिमाग में आने वाली है आई जरा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर टू टू पे आइए बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत अच्छा चैप्टर आपके लिए है आ, कहता है कि क्वेश्चन नंबर टू में बैलेंस शीट ऑफ हच लिमिटेड मेरे बच्चे हज का बैल मैंने जानबूझ के हज वर्ड फोन लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो ओल्ड वो, कौन है बाकी जो आगे के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे वहां पे तो मतलब कोई भी नाम हो सकता है एक चीज और आप शायद सोच रहे होंगे कि सर आपने बैलेंस शीट पुराने फॉर्मेट में क्यों दिया है मेरे बच्चे ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है अभी आगे बढ़ने दो ना जो आपकी क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको आपके फॉर्मेट के मुताबिक कराऊंगा और एक चीज और एग्जाम में क्वेश्चन जो जब क्वेश्चन आएगा वो किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है एंसर आपको नए फॉर्मेट जो कंपनीज का है उसी के मुताबिक करना है हम अभी प्रैक्टिस करेंगे ना पहले यहाँ तो आओ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टू बैलेंस शीट कहता है हज का जिसमें कि एसेट्स है ट्वेंटी वन के यहाँ पे कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज टेन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज टेन एंड थ्री क्या कोई मुझे बताएगा कि अगर हज कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल आपका थ्री का है और एक शेयर अगर दस रुपए के हैं तो टोटल शेयर्स कितने रहे होंगे थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाई टेन टोटल शेयर्स कितने रहे होंगे थर्टी फाइव थाउजेंड थर्टी फाइव सर क्यों पूछा ऐसे ही मन कर गया कोई रीजन नहीं है आगे पढ़ो ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कहते हैं ऑफ टेन इज साढ़े पांच लाख फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड के टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है एक शेयर कहता है कि टेन का तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे फिफ्टी फाइव थाउजेंड सर क्यों पूछ रहे हो? अरे ऐसे ही मन किया रि, रिजर्व कहता है कि 2 लाख का अमाउंट है लायबिलिटी कहता है कि 10 लाख का अमाउंट है नीचे आइए। बिजनेस ऑफ हस लिमिटेड वाज अब्सॉर्ब्ड बाय वोडाफोन लिमिटेड एक काम करो यहाँ पे हस के आगे पर लिखो ओल्ड कंपनी एंड वोडाफोन के आगे लिखो न्यू कंपनी ये आदत मेरे बच्चे डालो क्योंकि ये आदत जो है ना चैप्टर को आगे बहुत सिंपल आपको करने वाला है हर चीज एल्ड कंपनी एंड वोडाफोन इज ए न्यू कंपनी पर ना पॉइंट नंबर वन में क्या बता रहा है मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा इसको लिख लिया होगा आपने मैं इसको चेंज करके यहाँ पे आता हूँ और सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन का टू नंबर का ठीक है ठीक करेंगे यहाँ पे कहता है कि बिजनेस ऑफ हर् कहता है कि वोडाफोन लिमिटेड मतलब नई कंपनी विल इशू थ्री इक्विटी शेयर ऑफ टेन इज एट फिफ्टीन पर शेयर स्लो चलो स्लो चलो पर बच्चे वोडाफोन यानी कि नई कंपनी मैं कुछ यहां लिख दे रहा हूं ओल्ड न्यू सर हम भी लिखें आप चाहो तो रफ में ऊपर कहीं लिख सकते हो सुनो ध्यान से कहता है कि वोडाफोन लिमिटेड विल इश्यू थ्री कोटी शेयर वोडाफोन यानी कि नई कंपनी तीन शेयर्स देने को तैयार है ऑफ रुपीज तेन इंच

ओल्ड के इक्विटी को ओल्ड के इक्विटी को नई कंपनी क्या दे रहा है जी? इक्विटी दे रहा है, कुछ भी दे सकता है तो ओल्ड के इक्विटी को नई कंपनी अपने अंदर मतलब, में अगर दो शेयर है तो नई कंपनी में तीन शेयर है एक बात बता दू मैं आपको आप बुरा तो नहीं मानोगे नहीं सर बताओ ना एक नया वर्ड आपको देना चाहता हूं अभी देना चाहता हूं पता है ये जो आपने रेशियो बताया ना बच्चे ये जो रेशियो बनाया आपने ओल्ड न्यू का कि ओल्ड में जो दो इक्विटी है ये इक्विटी वालों के लिए रेशियो है दो इक्विटी के बदले में तीन इक्विटी शेयर्स मिल रहा है इस रेशियो को इस चैप्टर में हम स्वैप रेशियो के नाम से जानते हैं इस चैप्टर में हम इसको क्या बोलेंगे स्वैप रेशियो एक नया वर्ड आपको मिल गया स्वैप रेशियो का मतलब होता है कि हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन गिवन इन द न्यू कंपनी फॉर ए गिवन नंबर ऑफ शेयर इन ओल्ड कंपनी एक चीज और बता दू जब भी स्वैप रेशियो का नाम लिया जाएगा मेरे बच्चों तो आपको खास इस बात का ध्यान रखना है कि स्वैप रेशियो में पहले ओल्ड का नाम आएगा फिर न्यू का नाम आएगा ओल्ड इशू न्यू रेशियो आपका होता है कितने तो नई में कितने दिए जाएंगे ठीक है ना तो जो ओल्ड में इक्विटी शेयर है ना उनके लिए रेशियो बता रहा है आगे पढ़ो ना पॉइंट नंबर टू सर कुछ सवाल है अभी रुको तो पहले सवाल तो आप मेरे साथ चलो ना पहले वोडाफोन लिमिटेड मतलब नई कंपनी विल फाइव फाइव प्रेफरेंस प्रेफरेंस ऑफ़ अरे नई कंपनी देने को तैयार है फॉर एवरी प्रेफरेंस शेयर इन हच लिमिटेड एवरी मतलब क्या एक यानी कि हच यानी कि ओल्ड कंपनी में अगर एक प्रेफरेंस शेयर है तो पांच आपको नई कंपनी में प्रेफरेंश मिलेंगे ये रेशियो किसके लिए आपका है प्रेफरेंस वालों के लिए स्वेप रेशो स्वैप रेशो इक्विटी वाले का भी हो सकता है प्रेफरेंस का भी हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता स्वैप रेशियो का जब जब नाम लिया जाएगा तो हमेशा ओल्ड एज टू न्यू यानी कि ओल्ड में कितने शेयर्स हैं तो नई कंपनी में कितने दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर में यानी क्वेश्चन नंबर टू में आप देखो कि उनके एसेट्स की वैल्यू क्या है लाइबिलिटी की वैल्यू क्या है वो आपको नहीं बताया उसने क्या किया सिंपली जो कंपनी के दो मालिक है ना देखो ना दो ही मालिक है ना एक बार देखो तो बैलेंस शीट में मालिक का नाम क्या है इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस यही तो मालिक है तो कंपनी के जो मालिक है यानी कि ओल्ड कंपनी के जो मालिक है उनको कितना कितना पेमेंट किया जाएगा वो आपको बताएगा हमने वही काम किया तो यहां पे क्या होगा जी कि आपको एक स्वैप रेशियो दे रहा है अब आपको पेमेंट निकालना है लिखिए मेरे साथ यहां पे कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ पीसी पीसी बाय कौन सा मेथड मेथड है ये तो ये नेट नेट पेमेंट पेमेंट तो मेथड से मेरे बच्चे हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं आपके लिए पीसी निकाल रहे हैं है ना नेट पेमेंट मेथड आपका सुनो ना ध्यान से आप लिखेंगे यहां रिप्रेजेंट्स ओल्ड कंपनी ओल्ड यानी कि पे हच लिमिटेड फिर आप लिखेंगे इन किसमें जी नई कंपनी यानी कि वोडाफोन वोडाफोन हम यहां पे करेंगे कैलकुलेशन कौन सी चीजें कितनी कितनी दी गई हैं कैलकुलेशन और उस कैलकुलेशन का अमाउंट यहां टोटल निकाल के हम उसको पीसी के रूप में बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है ना तो एज फोर्टीन के अंदर में ना आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर में ये प्रिस्क्राइब नहीं है लेकिन लेकिन इस

नई कंपनी इक्विटी शेयर्स देकर पेमेंट कर रही है कुछ भी दे सकती है आप चिंता ना करना जो भी देगा क्वेश्चन बताएगा मुझे बताओ बैलेंस शीट देख के जल्दी से बताओ कि बैलेंस शीट में ओल्ड कंपनी के बैलेंस शीट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं बताओ ना ओल्ड कंपनी के बैलेंस शीट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर आप कहते हो सर थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड तो मेरे बच्चे गलत थ्री फिफ्टी थाउजेंड अमाउंट है मैं कहता हूं कि शेयर्स का नंबर बताओ तो यार 350 का अमाउंट और एक शेयर कहता है कि ₹10 का तो आपका 35000 है ना आप एक काम करो उफ 35 को यहाँ पे लिख दो पहले आप ओल्ड कंपनी में जो इक्विटी शेयर से जिनको हमें पे पेमेंट करना पहले उसको लिख दो आप कितने 35000 अब मुझे बताओ ये हम किसका देख रहे हैं जी इक्विटी का पेमेंट यानी कि इस रेशियो को देखना ये स्वैप रेशियो में इसको देखना ये ऊपर वाले को इसको आपको देखना है थर्टी फाइव थाउजेंड जो है मुझे ये बताइए कि ये थर्टी फाइव थाउजेंड किसके शेयर हैं ओल्ड के कि न्यू के जरा ये बताओ ये बैलेंस शीट में हज कंपनी के बैलेंस शीट में जो इक्विटी शेयर दिख रहा है थर्टी फाइव थाउजेंड ये ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं कि नई कंपनी के सर ओल्ड कंपनी के ओल्ड का बैलेंस शीट है ओल्ड की इक्विटी है ओल्ड के मालिक है थर्टी फाइव थाउजेंड हमें क्या निकालना है कि थर्टी फाइव थाउजेंड जो ओल्ड में इक्विटी शेयर्स हैं उनको नई कंपनी टोटल कितना पेमेंट कर रही है

उसके से मल्टीप्लाई करूंगा ये आपको चौथी पांचवी क्लास में आपके छोटे-छोटे सर ने समझाया होगा कैसे हम निकालते हैं मैं थोड़ा उसको कर रहा स्वैप पे तो मेरे बच्चे ओल्ड कंपनी में अगर आपके पास दो शेयर्स हैं तो नई कंपनी तीन शेयर्स देगी तो शेयर है तो बताओ, नई हो अब समझ में आया पता है क्या है अगर ओल्ड कंपनी में आपके पास थर्टी फाइव थाउजेंड शेयर्स है ना तो नई कंपनी अपने फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड शेयर आपको देने को तैयार है पेमेंट के बदले में और हां उसने कहा है पॉइंट नंबर वन में कि देखो जी हमारा एक शेयर ऐसे तो दस रुपए का है मतलब उसकी फेस वैल्यू दस रुपए है लेकिन मैं आपको फिफ्टीन यानी कि मेरी वैल्यू एक शेयर की आज फिफ्टीन रुपीज है तो ऑब्वियस बात है कि अगर उसके शेयर की वैल्यू आज फिफ्टीन के हिसाब से तो फिफ्टीन के से देंगे यानी कि इतने शेयर्स दे रहा हूं जी और एक शेयर की वैल्यू कितनी है फिफ्टीन रुपीज दस रुपये का तो फेस वैल्यू है लेकिन आज उसकी वैल्यू फिफ्टीन है तो हम ये तो बोलेंगे पंद्रह रुपये के हिसाब से आपको दिए तो इंटू आपका फिफ्टीन कितना आ गया ये आ गया बच्चे सेवन लैक एट्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कोई जल्दबाजी नहीं है मैं भी यहीं पे हूँ आप भी यहीं पे हैं जिंदगी अभी बहुत बड़ी आपकी है बहुत कुछ करना है एक मिनट थोड़ा समय मेरे साथ लो ना इसका मतलब बता रहा हूँ दिमाग शांत कीजिए दिमाग शांत कीजिए सुनिए मेरी बात इसका मतलब क्या होता है ओल्ड कंपनी में जो थर्टी फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर उनको कहा गया कि हम आपके बिजनेस को टेक ओवर करते हैं इसके बदले में हम आपको नई कंपनी की इक्विटी शेयर देंगे और नई कंपनी में कितने शेयर देंगे फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और हमारे एक शेयर की वैल्यू फिफ्टीन रुपीज है तो मल्टीप्लाइड बाय फिफ्टीन उसकी वैल्यू निकल के आ गई कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर क्या काम खत्म हो गया नहीं अभी तो एक ही मालिक हुआ दूसरा भी तो मालिक है क्या नाम है उसका प्रेफरेंस शेयर्स जरा पॉइंट नंबर टू पढ़ के बताओ कि ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को नई कंपनी क्या दे रही है प्रेफरेंस शेयर्स कुछ भी दे सकते हैं मेरे बच्चे आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे कई चीजें दी जाएंगी तो क्या फर्क पड़ता है जो भी कुछ इनको पेमेंट किया जाएगा क्वेश्चन हमेशा आपको बताएगा बस कसम खा लेना कि ओल्ड कंपनी के सिर्फ मालिक हो मालिक मतलब इक्विटी इन प्रेफरेंस तो ओल्ड के प्रेफरेंस को नई कंपनी में क्या मिल रहा है जी प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ के तो हमें यही लगता है है ना ओल्ड के प्रेफरेंस को जरा जल्दी से बैलेंस शीट देख के बताओ ना कि हज कंपनी के बैलेंस शीट में नंबर ऑफ प्रेफरेंस कितने हैं नंबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रेशियो आपका नंबर का है दो शेयर्स के बदले में तीन एक के बदले में पांच तो नंबर जानना पड़ेगा कि कितने फिफ्टी फाइव थाउजेंड लो हमने उस फिफ्टी फाइव को यहां पर लिख दिया जितने शेयर्स ओल्ड कंपनी के बैलेंस शीट में है वो आपका पहले हमने क्या इसको लिख दिया अब मुझे बताओ कि ये जो से देख रहे हैं इसमें ओल्ड का शेयर कौन सा है रेशियो कौन सा है वन जिसके बराबर डिवाइड करूंगा जिस कंपनी में आपको शेयर निकालना है उस रेशियो से मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा मुझे बताओ ये कितने शेयर्स आ गए ऐसे मैं जानता हूँ फिर भी कैलकुलेटर लूंगा ताकि कुछ गलती ना हो जाए ये आ गया टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स मेरे प्यारे बच्चों आ, नई कंपनी ने कहा कि भैया ओल्ड कंपनी के जो प्रेफरेंस वाले हैं ना उनको हम प्रेफरेंस देंगे कितने देंगे इतने शेयर्स देंगे और एक शेयर की वैल्यू कितना बता रहा आपको एक शेयर की वैल्यू कितना बता रहा प्रेफरेंस का टेन रुपीज़ तो इन टू टेन आपका तो मुझे बताओ जरा कि ये आपका कितना निकल के आ गया ये आ गया ट्वेंटी सेवन लैख एंड फिफ्टी थाउजेंड का अमाउंट आपका

ये कहते हैं, हम नेट पेमेंट मेथड को डाउट इसके अंदर में नहीं सर हाँ। मुझे क्लास को अब आगे लेके चलना है और ये जो समुद्र जिसमें कि आज मेरे बच्चे हम लोग एंट्री किए हैं अभी किनारे में तैर रहे थे और उस किनारे से थोड़ा सा अंदर आपको लेके चलूंगा और आपको बताऊंगा कि जितने अंदर हम गहराई में जाएंगे क्या मस्त आपको मजा आने वाला है तेरा की सिखाऊंगा एक्चुअली आपको इसमें कोई डाउट नहीं सर एक बार मैं फिर से पीछे आके आपको बताना चाहता हूं कि क्या होगा यहाँ पे दो मेथड है मेरे बच्चे कहां चला गया वो पीसी निकालने के हमारे पास दो मेथड है एक आपका नेट एसेट्स एक नेट पेमेंट नेट एसेट्स में क्या होगा जी एसेट्स की मार्केट वैल्यू मैंने सेलेब्रिटी और आपका पीसी निकल के आ जाएगा सर पेमेंट में क्या होगा कुछ भी नहीं ओल्ड कंपनी के जो भी मालिक रहे होंगे चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस चाहे दोनों जो भी मालिक रहे होंगे इनको कितना कितना पेमेंट किया जाएगा वो बताएगा उसको ऐड करना निकल आ जाएगा काम खत्म हो जाएगा। दिमाग करो कुछ और गहराई में इस एस फोर्टीन पे आने दो कुछ और गहराई में आपको लेके जाने दो सुनो मेरी बात अब दिमाग शांत कर लो कुछ मैं बताना चाहता हूं लिखना बंद मेरी बात सुनेंगे बच्चे हज कंपनी के बैलेंस शीट में यहाँ पे एसेट्स हैं इधर आपका शेयर कैपिटल है लाइबिलिटी है और फिर आपका यहाँ पे ये चलो थोड़ा सा और इमेजिनेशन इनके एसेट्स जो हैं मान लो आपके यहाँ पे दस लाख रुपए के हैं शेयर कैपिटल मान लो चार लाख रुपए का है लाइबिलिटी यहाँ पे सिक्स लाख रुपए की है ये टैली कर रहा है ये कंपनी को वोडाफो ने सर टेक हम भी लिखे नहीं बचे लिखना नहीं अब आप, आपको मेरी बात सुनना है ने टेक ओवर कर लिया कहा कि देखो जी आपके जो एसेट्स हैं ना उसकी वैल्यू आज लगाते हैं थर्टीन लाख रुपए थर्टी लाख रुपए है ना हम लोग नेट एसेट्स से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या हुआ था जी आपका एसेट्स कितने का थर्टीन का लाइब्रेटी कितना सिक्स मान लो सिक्स भी पे करना है तो ठीक है अमाउंट कितना निकल के आ गया आपका सेवन लैक्स रुपेज है ना ये आपका क्या बन गया पी बन गया सेवन लैक्स तो आपका पीसी कितना सेवन लैक्स रुपीज हो गया कौन सा मेथड से से? से आप मुझे बताओ इतनी जो हमने पीछे स्टडी कर लिया उसको समझने के बाद ,00 तो बताइए कि नेट पेमेंट नेट पेमेंट मेथड से जब हम इनको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कितना करेंगे आप बताइए क्या पेमेंट चार लाख होगा कि सेवन लैक्स होगा सर सेवन लैक्स होगा अरे जितना आपका पीसी है वही तो पे करेंगे यानी कि सेवन लैक्स पे किया जाएगा ये तो कॉमन सेंस है यार कि जितनी वैल्यू आपके निकल के आई मैंने आपको पहले भी बताया था मैं यहां पे क्यों लिख रहा हूं मैंने कहा था कि भैया जितनी वैल्यू आपके निकल के आएगी उतना ही तो पेमेंट किया जाएगा उतना ही तो पेमेंट करेंगे है ना तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई घट गई उसका भी तो घाटा फायदा आपको मिलेगा और अल्टीमेटली क्या जी जितना नेट एसेट्स से वैल्यू आएगा उतना ही पेमेंट आपको किया जाएगा इसमें कोई डाउट ना हो इन शॉर्ट प्रैक्टिकल लाइफ में आता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में पता है प्रैक्टिकल लाइफ में अगर किसी कंपनी के किसी कंपनी को किसी कंपनी का अगर हम पीसी निकालते हैं तो आप वो पीसी इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से निकालो आपका सेम आंसर आएगा क्योंकि मेरे बच्चे जितने आपके एसेट्स की वैल्यू लगाई जाएगी उतना ही तो आपको पे करूंगा अगर आपका घर हमने 50 लाख रुपीज का लगाया था कीमत और 8 लाख रूपीज उस पर लाइबिलिटी है तो अगर मान लो उसके मुताबिक अगर हमने आपकी वैल्यू 42 टू लैक्स लगाया था ये देखिए आप यहाँ पे 42 42 अगर हमने आपका कीमत 42, तो मैं आपको पेमेंट भी कितना करूंगा 42 ही तो करूंगा इसमें कौन सी बड़ी बात है जितना आपका ये वैल्यू आएगा उतना ही तो पेमेंट करूंगा मेरे कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो पीसी निकालते हो वो पीसी इस मेथड से निकालो चाहे आप पेमेंट से निकालो दोनों से आपका सेम निकल के आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे बच्चे आप पीसी अगर निकालते हो किसी कंपनी का इस मेथड से निकालो चाहे इससे सेम आएगा क्योंकि जितना आपका पीसी आप जितनी वैल्यू निकल के आएगी उतना ही पेमेंट किया जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम में नहीं क्योंकि एग्जाम में, में मेरे बच्चे एग्जामिनर का मोटिव आपको प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचाना नहीं होता है आपके साथ गेम खेलना होगा पता एग्जाम में क्या होगा मैं आपको बताता हूं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मान लो एक क्वेश्चन आ गया और उस क्वेश्चन में आपको पीसी निकालना है पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी है कि पीसी जब निकालोगे तो इस मेथड से और इस मेथड से आपका सेम आए पॉसिबिलिटी सेम है पॉसिबिलिटी है कि दोनों से डिफरेंट आंसर आ जाए मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा और इस मेथड से जब पीसी निकालोगे और इस मेथड से पीसी निकालोगे तो दोनों पीसी सेम भी आ सकता है मेरे बच्चे या फिर आपका डिफरेंट भी आ सकता है क्योंकि ये रियल लाइफ नहीं है ये बुकिश नॉलेज है आपका अकाउंटेंसी का नॉलेज चेक करना ही एग्जामिनर का, का काम है अब मेरा सवाल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बोलता भैया पीसी निकालो और पीसी निकालने के लिए मेथड नहीं बता रहा है और मजे की बात है कि उस क्वेश्चन में पीसी हम दोनों से निकाल सकते हैं दोनों से। मतलब आपका इसका भी दिया हुआ की वैल्यू भी दिया हुआ है तो अब मुझे ही बताओ कि एग्जाम में क्या हम पीसी दोनों से निकाल देंगे दोनों मेथड से या किसी एक से ही निकालेंगे कॉमन सेंस है कि किसी एक से ही निकालेंगे क्योंकि मेरे बच्चे पीसी एक ही होगा तो उसी ए, ए, एक पीसी से हम आगे ट्रीटमेंट सीखने वाले दो ए, एक एक कंपनी का दो पीसी कैसे हो सकता है एक ही पीसी होगा हमें उस पीसी को निकालना होगा कौन से मेथड से निकालू पता है क्या बोलना चाहता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर थ्री के पास लेके आना चाहता हूँ बुकलेट का क्वेश्चन नंबर थ्री देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ पढ़ो ना क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बता रहा है पढ़ो 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 बैलेंस शीट कहता है ऑफ राम लिमिटेड एज ऑन थर्टी दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन राम लिमिटेड का बैलेंस शीट है जिसमें कि फिक्स रेड्स है करंट एसेट्स है शेयर कैपिटल है करंट लाइबिलिटी है रिजर्व सप्लेस है ध्यान रखना शेयर कैपिटल अब यहाँ नहीं बता रहा कि कौन से शेयर तो याद रखना कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती मेरे बच्चे जिसमें कि इक्विटी शेयर्स ना हो प्रेफरेंस शेयर्स ना हो ऐसी लाखों कंपनी है कंपनी के मेन मालिक इक्विटी होते हैं तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको ना बताए कि कौन से शेयर्स है तो हमेशा आप मानना कि वो इक्विटी शेयर्स है कोई नोट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है

लीजिए मैं यहाँ पे आ गया एक बार फिर से आपके पास ये रखूंगा ताकि आप क्लियरिटी लेकर आएंगे दिमाग में कहता कि एसेट्स दो है दो मेथड है आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू नब्बे हजार रुपए लगाई गई है आप बताओ ये इन्फॉर्मेशन किस में यूज होगा नेट एसेट्स मेथड में है ना एसेट्स मैनबिलिटी तो हम यहाँ पे करेंगे फिर कहता है आगे पढ़ना करंट करंट लाइबिटी बी टेकन ओवर एट हंड्रेड टेन परसेंट एंड करंटेट है उनकी तो ये तो ये कहा गया? गया जी नेट एफिक्स मेथड का हो गया अच्छा आगे पढ़ना पॉइंट नंबर थ्री थ्री इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड एक मिनट ए मतलब नई कंपनी नई कंपनी के तीन इक्विटी शेयर

इस क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चे आपको पीसी निकालने के लिए इसके इस मेथड के भी आपके पास इंफॉर्मेशन है और इस मेथड के भी इंफॉर्मेशन है याद रखना पीसी किसी एक से ही निकालना है दो से निकालने का काम नहीं करना वो गलत हो जाएगा क्योंकि किसी भी एक कंपनी की जो वैल्यू होगी कोई एक ही होगी अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर में पीसी में कौन से मेथड से निकालू क्योंकि हो सकता है कि दोनों से अलग अलग पी आ जाए और इसका एग्जाम में तो मेरे बच्चे नाइनटी नाइन परसेंट की श्योरटी है कि एग्जाम में दोनों से अलग अलग पी आएगा आपको किसी एक से निकालना मैं किससे से निकालू तो सर हमें तो ये मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है है ना ये ज्यादा अच्छा लग रहा है बदमाश अरे अच्छा खराब से यहां पे चैप्टर नहीं चलने वाला अच्छे और खराब के लिए चैप्टर थोड़े पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं लॉजिक के लिए पढ़ रहे हैं तो आप मुझे बताओ लॉजिकली सिंप्लिसिटी की बात नहीं कर रहा लॉजिकली बताइए कि आपके मुताबिक पीसी कौन से मेथड से निकलना चाहिए एग्जाम में अगर दोनों ही मेथड के इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं तो बोलो ना क्या बोलो ना सर आ, सर आ, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों हूं ना अभी आप क्यों चिंता कर रहे हैं आप एक नोट लिखिए बातें समझ में आ जाएंगी लिखेंगे आप लिखेंगे इंपोर्टेंट नोट लिखेंगे आप नोट है ना दोनों मैथड के बाद आप नोट लिख रहे हैं इफ मैथड ऑफ कंप्यूटेशन मैथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पी सी इज नॉट गिवेन इज नॉट गिवेन इन क्वेश्चन इन क्वेश्चन

कि पीसी आपको कौन से मेथड से निकालना है तो आप किसको प्रेफर करेंगे नेट पेमेंट मेथड को यानी कि नेट पेमेंट मेथड से यानी कि आप कसम खा लो आप कसम खा लो कि आज के बाद आज के बाद मेरे बच्चे जितने भी हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे जितने भी पढ़ेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर में नेट पेमेंट मेथड का इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन सा इंफॉर्मेशन था तो नेट पेमेंट में यही तो था कि भैया ओल्ड कंपनी के जो मालिक हैं इक्विटी चाहे प्रेफरेंस चाहे दोनों उनको कितना कितना पेमेंट किया गया अगर एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन के अंदर में आपको बता दे कि ओल्ड के जो कंपनी के जो ओनर है यानी कि इक्विटी प्रेफरेंस उनको कितना कितना पेमेंट किया गया और इसके साथ साथ नेट एफेट मेथड का भी इंफॉर्मेशन हो तो भी हम लोग पीसी क्या करेंगे नेट पेमेंट मेथड से ही निकालेंगे यानी कि हमारा कसम खा लेना आज के बाद कि पीसी हम हमेशा क्या करेंगे जी नेट पेमेंट से लेकिन मेरे बच्चे लेकिन सोचो ना हमने तो कसम दिला दिया कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन ना बताए तो पीसी आपको नेट पेमेंट से निकालना हमेशा एक काम करें क्या एक बार जरा क्वेश्चन नंबर आप पढ़ना ना मेरे साथ आपका टू क्वेश्चन नंबर टू पढ़ना क्वेश्चन नंबर टू वन छोड़ो टू पढ़ो आप आ, कहता है कि भैया इक्विटी दोबारा पढ़ लो कर कर लिया मुझे पता बट फिर भी पढ़ लो इक्विटी है प्रेफरेंस है रिजर्व है लाइब्रिटी है एसेट्स है नीचे बिजनेस कहता है कि हज का एब्जॉर्ब भाई वोडाफोन क्या करेगा जी तीन शेयर्स देगा दो शेयर्स के बदले में वोडाफोन फिर पांच प्रेफरेंसर्स देगा एक के बदले में बोलता है पीसी निकालो यहाँ पे पी तो निकालने के लिए बोला लेकिन पी निकालने का मेथड आपको नहीं बताया हमने आंख बंद कर ली कोई बात नहीं ना बताना तो नेट पेमेंट से मेथड नहीं बताओ को नेट पेमेंट से तो नेट पेमेंट से क्या करेंगे जी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पीसी निकाल दिया ये देखो आपका पिछले वाले क्वेश्चन में नेट पेमेंट से पीसी निकाला था ना बच्चे ये हमने निकाल दिया अब क्वेश्चन नंबर वन में आना यही चीज क्वेश्चन नंबर वन में पढ़ो जरा वन फटाफट बैलेंस शीट कहता कि हस लिमिटेड का लैंड बिल्डिंग मशीन फर्नीचर डेटर्स कैसी है यहाँ इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व डिवेंचर क्रिएटर्स ठीक है बिजनेस कहता है कि हज का वच एब्जो बाई वोडाफोन कहता है कि एसेट्स की वैल्यू इतनी लाइबिलिटी इतना पीसी निकालो यहां भी पीसी निकालने का उसने मेथड नहीं बताया लेकिन मेरे बच्चे आप मुझे बताओ कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर में आप नेट पेमेंट मेथड से आप पीसी निकाल सकते हो क्या क्या क्वेश्चन नंबर वन के अंदर में नेट पेमेंट मेथड से यानी कि इनके जो इक्विटी है इनके जो प्रेफरेंस है इनको कितना कितना पेमेंट दिया गया है क्वेश्चन कहीं बता रहा है क्या नहीं बता रहा है नहीं बता रहा मेरे बच्चे तो आप मुझे बताओ कि अगर नहीं बताएगा तो इस क्वेश्चन में तो हम नेट पेमेंट लगा ही नहीं पाएंगे फिर मेरी बात यहां पे ध्यान सुनेंगे मैंने क्या बोला जी इफ मैथड ऑफ कंपटिशन ऑफ पीसी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन वी शुड ऑलवेज स्टार्ट कैलकुलेटिंग पीसी बाई नेट पेमेंट मैथड पैराग्राफ चेंज करेंगे बट बट

देन ओनली नेट एसेट मैथड मैथड शुड बी फॉलोड लो अब मैंने आपको सारी बातें बता दी यहां पर अब सारे सवाल सारी बातें आपके दिमाग से खत्म हो जानी चाहिए कहते हैं कि भैया अगर क्वेश्चन में मैथड ऑफ कम्पटेशन पीसिस नॉट गिविन अगर मैथड ऑफ कंपटेशन ऑफ पीसिस दिया हुआ है कि आपको इस मैथड से निकालना है तब तो टेंशन ही खत्म है तब तो उसी को फॉलो करेंगे मैं लिख दूं यहां पे क्या नोट uh, में ये आपका हो गया ए बी बी इफ इफ मेथड इफ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पी सी इज गिवेन इन क्वेश्चन अगर क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन के अंदर में अगर आपको मेथड बता दे कि भैया इससे निकालो तो कोई टेंशन नहीं है नो no टेंशन फिर तो कोई टेंशन नहीं है नो टेंशन फॉलो इंस्ट्रक्शन फॉलो इंस्ट्रक्शन जो मेथड वो बोलेगा हम उस मेथड से क्या करेंगे जी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर बता दे, झगड़ा तो तब है ना कि जब क्वेश्चन में मेथड ना बताए तो मैं क्या करूं तो हमने कहा भैया ना बताए तो आप नेट पेमेंट मेथड को फॉलो करना शुरू कीजिए अगर क्वेश्चन के अंदर में नेट पेमेंट का आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको नेट एफेट को फॉलो करना चाहिए मतलब पहला प्रेफरेंस आपका हमेशा ये रहेगा फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे बच्चे हमेशा आपका ये रहेगा और ये जो होगा वो आपका हमेशा सेकंड प्रेफरेंस होगा नेट एफेट क्या होगा जी ये आपका सेकेंड प्रेफरेंस होगा ना सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों कुछ लॉजिक भी है क्या बहुत बड़ा लॉजिक है मेरे बच्चे बहुत बड़ा लॉजिक है सुनो मैं आपको समझाता हूँ लॉजिक क्या है ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं मैं आपकी बात कर लू क्या आपकी बात कर लेता हूं ये देखो आप। आपकी बात यह आप ही थे ना मैं आप ही की बात करता हूँ आपकी बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू आज मार्केट में फिफ्टी लैक्स ,00 है और उस उसमें एट लैक्स रुपीज की लाइब्रिटी है तो कायदे से मुझे आपको कितना पे करना चाहिए फोर्टी टू लैक्स कायदे से अगर लॉजिकली देखा जाए तो लेकिन हमने कहा यार इतना पैसा क्यों छोड़ना फोर्टी लैक्स ले लो अरे छोड़ दोस्तों क्या जाता है आपके सर हूँ मैं दोस्त नहीं आपका सर हूँ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं सी ए बना रहा हूं मैं आपको पता नहीं क्या क्या बना रहा हूं तो आप आप मैं, मैं सर हूँ ना तो छोड़ो ना फोर्टी टू नहीं आप मुझसे फोर्टी ले लो और आप मेरी बात मान गए कि ठीक है सर तो बताओ जरा पीसी कितना हुआ फोर्टी हुआ कि फोर्टी हुआ फोर्टी हुआ अरे जब मैंने ये बात बोल दी कि 40 लैक्स मैं आपको दूंगा और 40 ही मैंने दिया तो आपके सेट्स की आज वैल्यू क्या है लाइब्रेटी की वैल्यू क्या फर्क पड़ता है 40 पीसी हो गया वही आपका सत्य है वही सत्य है, है और बस वही सत्य है आपने दूसरा केस ऐसे वैल्यू फोर्टी टू बना था आपने बोला सर क्या बात कर दो मैं आपका बच्चा हूं आप एक काम करो ना मुझे थोड़ा पैसे की रिक्वायरमेंट फोर्टी फाइव पे कर दो हमने बोला चल कोई बात नहीं बहुत बड़ा इंसान हूं मैं मैं आपको फोर्टी फाइव पे कर दूंगा मैंने पैंतालीस दे दिया आपको तो दिया कितना पेमेंट कितना किया फोर्टी फाइव किया ना तो फोर्टी फाइव भी सी होगा ना बच्चे अरे बोलो तो कम से कम हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं बैठे हुए कहीं सात समुंदर दूर नहीं बैठा हुआ आपके पास ही हूं मैं अरे बोलो ना अगर एक बार जब डिसाइड हो गया कि मैं इतना पेमेंट आपको करूंगा तो फिर उतना ही तो पेमेंट करूंगा फिर एसेट्स की वैल्यू कितनी है लेबरिटी कोई मतलब ही नहीं बनता इन शॉर्ट मैंने आपको प्रूफ करना था कि ये लॉजिकल बात है आपका इंस्टीट्यूट इस बात को बोलता है और बिल्कुल लॉजिकल है कि भैया अगर क्वेश्चन में पीसी निकालने का मेथड बता दे तो, तो कोई टेंशन नहीं उसको फॉलो कर लो लेकिन अगर मेथड ना बताया तो आपका पहला प्रेफरेंस हमेशा नेट पेमेंट होगा नेट पेमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो ही आपको नेट इफेक्ट्स को फॉलो करना होगा मेरे बच्चे आओ अब मैं क्वेश्चन नंबर थ्री आपको करके दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि दूसरे बच्चों से आपके अंदर में जो शक्तियां हैं वो कितनी ज्यादा है आपको विश्वास नहीं है ना कोई दोस्तों आपका होगा कोई दोस्त जो सामने से दोस्त बट अंदर से आपको उससे दुश्मनी है कुछ ऐसे जिसपे जिन लोगों पे आप खुदक खाते हो आप एक काम करना एग्जाम एग्जामिशन हॉल के अंदर में एग्जाम से एक सेकंड पहले एक मिनट पहले आप उसके कान में बोल देना एमलगमेशन ऑफ कंपनी आप बिलीव कीजिए वो बच्चा वहीं बेहोश हो जाएगा और अगर आपने ये काम एक घंटा पहले कर दिया उसके उसको फोन करके बोल दिया तो वो एग्जामिशन हॉल में भी नहीं जाएगा कहीं जाके मस्ती करेगा लेकिन हिम्मत नहीं होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आए क्योंकि उसको वो डर बैठा इस चैप्टर के साथ एमल का मिशन कंपनी इस लेवल का चैप्टर माना जाता है लेकिन याद रखना मैं कसम खा रहा हूं आप बस अभी दिमाग में इफ और ना आने दो अभी बस चलते रहो ना जो आपके सर बोल रहे हैं सब सच बोल रहे हैं समय आने दो सब कुछ प्रूफ करूंगा सब कुछ सही होगा और आपको इस चैप्टर से ज्यादा सिंपल कोई चैप्टर लगेगा नहीं एग्जाम में किसी चैप्टर का क्वेश्चन आएगा आप लिख के आओगे ये नहीं करूंगा मुझे अमल का मिशन का दो और अब ऐसा होगा देख लेना मजा भी आएगा आपको जब ऐसे करके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे आप क्वेश्चन थ्री करा रहा हूँ मैंने आपको जो पॉइंट लिखा है उसके बाद पढ़ेंगे एक बार दोबारा पढ़ लो बैलेंस शीट कहता है कि राम लिमिटेड का थर्टी फर्स्ट डिसंबर को फिक्स है करंट है इक्विटी शेयर कैपिटल है करंट लाइबिटी है रिजर्व है राम लिमिटेड को टेक ओवर किया ए ए ने इज इज द द न्यू कंपनी राम ओल्ड की वैल्यू इतनी है करंट करंट की वैल्यू इतनी है थ्री इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिख दू मैं यहाँ पे ओल्ड इज टू न्यू ओल्ड इज टू न्यू कहता है कि uh, uh, ए के तीन शेयर्स वुड बी इशूड ओ ए इज द न्यू कंपनी ना तो तीन शेयर्स दिए जाएंगे ओल्ड कितने फॉर एवरी टू टू थ्री जो स्वैप रेशियो स्वैप में लो क्योंकि अभी इसका डिस्कशन हम अगले क्लास में और अच्छी तरीके से करेंगे टू इश थ्री आपका बोलता है कि पीसी निकालो अगेन पीसी निकालने का उसने मैथड नहीं बताया मेथड बोलता तो मैं उससे निकालता ना बताया तो बताओ कि यहां पे पीसी में कौन से मेथड से निकालूं तो इसके लिए आपको अपने इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा नेट पेमेंट मेथड पहला है अगर इसका इंफॉर्मेशन है तो हम उससे निकालेंगे ये पॉइंट नंबर थ्री हमें मिला जिसमें कि हम नेट पेमेंट को फॉलो कर सकते लिखो ना यहां पे कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ पीसी बाय नेट पेमेंट मैथड ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन मेरे बच्चे और ये फोर मार्क्स में क्वेश्चन आपका आया हुआ है फोर मार्क्स के अंदर में है ना फोर मार्क्स तो आप चेक करते हैं क्या नेट पेमेंट मेथड से हम लोग यहाँ पे पीसी निकाल रहे हैं आओ जरा टू रिप्रेजेंट्स ओल्ड कंपनी नाम बता दो ओल्ड कौन है राम लिमिटेड लिख देता तो हूँ यहाँ पे राम यानी कि ओल्ड इन यानी कि नई कंपनी ए लिमिटेड यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेशन

ओल्ड के इक्विटी को नई कंपनी में क्या दिया जा रहा है सर इक्विटी शेयर्स ठीक है कुछ भी दिया जा सकता है आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना क्या दिया जाएगा क्वेश्चन ऑलरेडी आपको ऑफ तो इक्विटी, इक्विटी, में, में, इक्विटी कितने है? मुझे बताइए ऐसे ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है बैलेंस शीट में बच्चे दस का तो शेयर्स कितने हो गए थाउजेंड अरे ये ओल्ड के शेयर्स हैं कि न्यू के सर ओल्ड के ओल्ड का रेशियो टू जिसके शेयर उसके रेशियो से डिवाइड जिसमें निकालना उसे मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि थ्री तो ये कितना आ गया आपका यहां पे ये आ गया ट्वेल्व थाउजेंड शेयर्स ट्वेल्व थाउजेंड शेयर्स पर बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड कंपनी में जो शेयर होल्डर्स थे ओल्ड कंपनी के जो मालिक थे उनको कहा गया कि हम नई कंपनी में आपको ट्वेल्व थाउजेंड शेयर्स देंगे आप आओ हमारे पास आपकी कंपनी बेच दो अपना और एक शेयर की वैल्यू कितना जी पॉइंट में आप एक शेयर की आपका, तो आपका हो गया पीसी वन फोर्टी फोर ये लीजिए सीए आई पी सी सी में फोर मार्क्स का कभी क्वेश्चन आया था मुझे बताओ क्या दम इस क्वेश्चन के अंदर में फोर मार्क्स आपको मिल चुके हैं फोर मार्क्स अब हमें कुछ नहीं करना उसने कहा था पीसी निकालो पीसी निकालने के मेरे बच्चे अगर मेथड बताएगा तो उस मेथड से निकालूंगा ना बताए मेथड तो आपको जो सर ने जो आपको इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको फॉलो करना है पहला प्रेफरेंस समस्या क्या होगा नेट पेमेंट हां अगर नेट पेमेंट का आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तब नेट एसट्स को करूंगा क्योंकि नेट पेमेंट का इन्फॉर्मेशन था हमने उससे पीसी निकाल दिया क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है दैट्स इट डाउट इसके अंदर में नहीं सर देखो सुनो ध्यान से अब लिखना बंद करेंगे आप मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चे पीसी निकल गया कसम से पीसी निकल गया चार नंबर मिल गए किसी की हिम्मत नहीं कि आपके आधे नंबर भी काट ले। लेकिन अब मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूं कि इसी क्वेश्चन के अंदर में अगर मैं पी निकालता कौन से मेथड से वो नेट इफेक्ट से अगर मैं पी निकालता नेट इफेक्ट से तो क्या सेम पी आ रहा है क्या क्योंकि मैंने कहा था कि देखो जी ये बुकिश बुकिश नॉलेज है ये कोई रियल लाइफ नहीं है रियल लाइफ में दोनों ही मेथड से पीसी सेम आएगा लेकिन बुक के अंदर में हो सकता है कि नेट पेमेंट से अलग आ जाए नेट से अलग आ जाए तो एक बार चेक करता हूं कि क्या ऐसा है क्या चलिए करना भी नहीं है बस मैं बैलेंस में जो पॉइंट नंबर वन में कहता है कि उसकी आज की वैल्यू नाइनटी है तो फिक्स मार्केट वैल्यू नाइन हो गया बैलेंस शीट में जो करेंट्स थाउजेंड के है, कहता है कि उसकी वैल्यू हंड्रेड हो चुका है तो हंड्रेड मतलब नाइन्टी नाइन ज्यादा

जिन बच्चों को वो जो ऊपर में मैंने नोट लिखाया उसके बारे में नहीं जानकारी है नाइन्टी नाइन परसेंट बच्चे उसके बारे में नहीं जानते हैं बट आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि वो आपको पता होना चाहिए तो जिन बच्चों को नहीं पता मेरे बच्चे वो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर इस मेथड से करके आ गए तो जीरो मार्क्स मिलेगा है ना क्योंकि यहां पे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये कोई बच्चा बोले कि यार थोड़े मेथड लिखा था हम तो किसी से भी कर सकते हैं और वो इससे आंसर करके आ गए तो मार्क्स कितने मिलेंगे जीरो यही किया जाएगा कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं दूसरी दुनिया से दूसरे ग्रह से आए हुए आप में से भी कुछ बच्चे हो सकते थे अब नहीं होंगे एक्चुअली जो सोचते हैं यार इसको ये चार नंबर का क्वेश्चन है और चार नंबर इतने में थोड़े मिल जाएगा तो क्यों ना हम इसको दोनों ही मेथड से करके आ जाए अरे होते हैं आप में से कुछ होना बच्चे कि यार दोनों से करते मजा आएगा वो क्या करेंगे इससे भी करके आ जाएंगे और इससे भी करके आ जाएंगे और दो आंसर निकाल के आ जाएंगे और काउंट करेंगे दो मार्क्स यहाँ मिलेगा दो यहाँ चार मिल जाएंगे मार्क्स कितने मिलेंगे मार्क्स मिलेंगे जीरो जीरो मेरे बच्चे जीरो बिग जीरो क्योंकि दोनों मेथड से करने का मतलब है कि आपको आपके इंस्टीट्यूट का गाइडलाइन सबको नहीं पता दोनों से करने का मतलब है कि आपने अपने संतोष सर से नहीं पढ़ा संतोष सर की बातें नहीं सुनी और तभी आपको ये बात नहीं पता था इसीलिए हमेशा याद रखना एक से ही निकालना पहला प्रेफरेंस आपका वो होगा यानी कि फोर मार्क्स लेने के लिए बस इतना काम करो चार नंबर आपको मिल जाएंगे दोनों कर दिए तो भी मार्क्स जीरो क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट फिर नहीं पता कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर ओह कुछ ना स्मेल आ रही है एक्चुअली वो कहीं लग रहा है कि बाहर में पेंट हो रहा है और सारा पेंट मेरा ए सी पे बदमाश ने खींच लिया <coughs> मेरा अमृत भी खत्म हो गया ये मुझे एक घुट पीता हूँ ना तो 22 से 24 घंटे कॉन्टिन्यूस बोल सकता हूँ एक घुट पीने का ही खाने की जरूरत नहीं, नहीं पड़ती ये क्या है नहीं बताऊंगा अदरवाइज शक्ति आपके अंदर चले जाएंगी तो वन टू थ्री क्वेश्चन हमने खत्म किया आ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ एक बार सिक्स क्वेश्चन पे आ जाओ सिक्स क्वेश्चन 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 आइए एक बार देखते कि ये क्या है और हम लोग अब अपने मन को दिमाग को शांत रखेंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे का <coughs> ये लीजिए मैं इसको सर बाकी बीच के क्वेश्चन अरे वो भी कराऊंगा बदमाश आओ तो पहले क्वेश्चन पर आप गाइडलाइंस जो है अब आपके दिमाग में फॉलो करेंगे कहता सिक्स में कि एक बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इज इज फॉलो एक्स का बैलेंस शीट थर्टी फर्स्ट में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का बता रहा है जिसमें कि फिक्सट्स है सर पी पी बोलते हैं अरे ये बैलेंस शीट पुराने फॉर्मेट में बनाया है बस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना नए फॉर्मेट में और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा पुराने में भी आ सकता है नए में भी आ सकता है आपका सोल्यूशन जो होगा बैलेंस शीट जो बनाना होगा वो हमेशा नए फॉर्मेट में हम भी करेंगे आप चिंता नहीं करो आपको तैयार करना ना क्वेश्चन किसी तरीके के लिए आओ ना कहता है कि इसमें फिक्सट्स हैं इन्वेस्टमेंट है करंट है इक्विटी शेयर कैपिटल है डिवेंचर है करेंट एविटी यहाँ भी एक ही मालिक है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस नहीं है यहाँ पे राम लिमिटेड टूक ओवर एक्स लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन राम लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को टेक ओवर किया है जल्दी से राम के ऊपर लिखो ना यहाँ पे ओल्ड कंपनी राम के ऊपर लिखेंगे आप यहाँ पे ओल्ड कंपनी सॉरी माफ कीजिए न्यू कंपनी और एक्स के ऊपर लिखेंगे ओल्ड कंपनी राम ने टेक ओवर किया नई कंपनी को तो राम मेरे बच्चे यहाँ पे हो गया आपका नई कंपनी और एक्स हो गया आपका यहाँ पे ओल्ड कंपनी लिखो यादर डालना आपको राम इज द न्यू कंपनी पढ़ेंगे आप यहाँ पे मैं नहीं नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता छोड़ दो लास्ट लाइन क्वेश्चन का पढ़ो कहता है कि कैलकुलेटर पीसी परचेज कंसेशन निकालना है बच्चे पीसी आपको निकालना है लेकिन पीसी निकालने का क्या आपको मेथड बता रहा है नहीं बता रहा है तो यहां से हट गए हम कहा चले गए इसमें कि ना बताया तो क्या करेंगे पहला प्रेफरेंस मेरा ये मेथड होगा अगर इसका इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम नेट को फॉलो करेंगे देखते हैं अब आगे पढ़ो पढ़ो जरा मेरे मेरे साथ पॉइंट पढ़िए साथ देखतेट्स को रिवैल्यू किया गया ट्वेंटी बुक वैल्यू मुझे बताओ फिक्स की वैल्यू आपका ट्वेंटी बुक वैल्यू ये कौन से मेथड में इसको यूज किया जाएगा

निकालो. मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर में जो कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको कितना कितना पेमेंट या क्या पेमेंट किया जाएगा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं बता रहा है तो अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए तो फिर क्या करते हम फिर तो हम अपना नेट पेमेंट मैथड माफ कीजिए नेट एफिट्स मैथड बोलो ना अगर यहाँ पे इक्विटी वालों को कितना कितना पेमेंट किया जाएगा या क्या पेमेंट किया जाएगा बता दे तब तो ठीक था अगर कुछ भी ना बताए तो भगवान थोड़ा ही फिर हम क्या करेंगे जी नेट एफिट्स को फॉलो करेंगे बोलो ना ये सर तो इस क्वेश्चन को हम नेट एसेट्स मेथड से यहां पे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें इक्विटी को पेमेंट करने के बारे में नहीं बता रहा है कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ पीसी बाय नेट एसेट्स मेथड है ना क्योंकि पेमेंट आपको यहां पे बता ही नहीं रहा कि कितना कितना इक्विटी वालों को किया गया है तो अच्छी बात है हम लोग क्या करते हैं जी हम लेते हैं एसेट्स एट कौन से प्राइस पे मार्केट वैल्यू है ना जो भी एसेट्स को हमने किया उसकी मार्केट वैल्यू आइए बताइए कौन कौन से है तो एसेट्स का नाम बैलेंस शीट से देखना वैल्यू नीचे में कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में वन लैक है नीचे कहता है वन ट्वेंटी उसकी उसको रिवैल्यू क्या ट्वेंटी परसेंट मोर आपका बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जो है वो कहता है कि उसकी जो बुक में वैल्यू है वही आज की वैल्यू है तो मेरे एट्टी थाउजेंड जो है वो आपका कहता है कि एट्टी ही रहेगा और करंट एसेट्स ओहो बहुत ध्यान से बच्चे गलतियां करते हैं है ना जनरली क्या होता है एग्जाम में कि चीजें हमें पता होती है बट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते तो गलतियां होती है और अक्सर बच्चे करते हैं आप नहीं करना देखो ना ध्यान से क्या है पॉइंट नंबर थ्री में लिखा है नेट करंट एसेट्स मेरे प्यारे बच्चों यहां पे उन्होंने करंट एसेट्स नहीं बोला उन्होंने क्या बोला जी नेट करंट शायद आपको नहीं पता नेट करंट का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी नेट करंट एसेट्स मतलब कि जो आपका करंट एसेट्स है और करंट लाइबिलिटी का नेट अमाउंट उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम होता है तो देखो ना शीट में बचाओ करंट एफेट कितने का है बैलेंस शीट में करंट एसेट्स कितने का है 120 और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी कितने का 50 तो 120 50 नेट कितना हो गया 70000 70000 का समान कितने में जा रहा है 80 में तो हम कितना लिखेंगे मार्केट वैल्यू यानी कि 80 में है ना तो आपका ये हो गया जी एसेट्स ये कितने का आ गया 280000 280 इसमें से माइनस कीजिए लायबिलिटीज एट पेबल वैल्यू लाइविलिटीज एट पेबल वैल्यू बताओ लाइब्रिटी में कौन सा नाम है एक तो नाइन परसेंट डिवेंचर है अब करंट लाइविटी नहीं है क्योंकि करंट लाइब्रिटी ऑलरेडी यहाँ पे माइनस करके नेट कर चुके हैं हम लोग डिवेंचर जो बैलेंस शीट में आपका वन लैख का है वो नीचे में नहीं बता रहा कि कितना पेमेंट किया जाएगा सिर्फ फोर्थ में कहता है कि लोन नई कंपनी डिस्चार्ज करेगी बट कितना करेगी तो हम मानेंगे वही जितना बुक में है यानी कि वन लाख रुपीज का अमाउंट आपका और इस तरीके से मेरे बच्चे पी सी आपको कितना निकल के आ गया वन लैख एटी थाउजेंड हो गया पी क्या दिक्कत है क्यों आप नहीं कर पाएंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप यानी कि मेरे बच्चे क्यों नहीं कर पाएंगे कहीं कोई लॉजिक नहीं है सर सचमुच में शक्तियाँ हमारे अंदर आ रही सर हमें लग रहा है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हुए थे चले जा रहे हैं सर और लगता है ना कि पता नहीं क्या क्या हमारे अंदर हो चुका है मेरे बच्चे इस विश्वास को थोड़ा सा मैं आपको तोड़ना चाहता हूँ ये विश्वास जो आपके अंदर में अभी नहीं आना चाहिए था जो अतिविश्वास हो चुका उसको तोड़ना चाहता हूँ और इसलिए क्वेश्चन नंबर फोर भी मैं कराना चाहता हूँ जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक अभी आपका पूरा नहीं हुआ है और बिलीव कीजिए चैप्टर एंड करते करते मुझे चौदह चौदह क्लासेज, क्लासेज गुजरने के बाद क्या क्या शक्तियां आपके अंदर आएंगी क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके होंगे आप उसका यकीन भी नहीं कर सकते एग्जाम आपको खेल खेलना है मैं तो वही करना चाहता हूँ और सिर्फ वही करना चाहता हूँ आपके लिए चलिए मैं आपको यहाँ पे अब करा रहा हूँ कौन सा जी क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का मेरे बच्चे आओ ना देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है और प्यारा क्वेश्चन है ये सी ए आई पी सी सी में मतलब जो सी ए है उसका आपका फोर मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ एग्जाम में है. तो एक बार चेक करते हैं क्या बताते हैं पढ़ेंगे आप <coughs> इक्विटी शेयर कैपिटल बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अभी आंसर दिमाग में मत सोचना मैं हूँ अभी क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ नए पॉइंट्स आएंगे उनको मैं अभी आगे सिखाऊंगा पहले पढ़िए इक्विटी शेयर कैपिटल कहता है कि नाइनटी थाउजेंड शेयर से ऑफ रुपीज टेन इंच नाइन लैक्स का अमाउंट तो नाइनटी इन टू टेन नाइन लैक्स ही होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहता है कि फिफ्टी थाउजेंड शेयर से टेन इंच एट पेड अप मतलब शेयर फिफ्टी थाउजेंड है ऐसे एक शेयर दस रुपये का है बट अभी तक हम लोगों ने पब्लिक से एट रुपीज ही लिया है तो फिफ्टी इंटू एट फोर लैक्स का अमाउंट फिर कहता दिस कंपनी वॉज टेकन ओवर बाई राम लिमिटेड इसको राम लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया तो राम इज द न्यू कंपनी बोलो हां ये सर कहता है कि थ्री इक्विटी शेयर्स वुड बी इशूड फॉर एवरी सेवन इक्विटी शेयर्स हेल्ड ओल्ड इज टू न्यू स्वयं रेशियो बता रहा है कि ओल्ड कंपनी में सेवन अगर है तो नई कंपनी में कितना थ्री दिया जाएगा थ्री वुड वट बीड दिया जाएगा सेवन के बदले में एट द रेट ऑफ फिफ्टीन ठीक है अरे कहता है कि फाइव रुपीज पर शेयर बी गिवन इन कैश टू इक्विटी शेयर होल्डर कहता है कि जो ओल्ड कंपनी की इक्विटी है ना उनको कैश भी दिया जाएगा तो परेशानी थोड़ी है मैंने तो कहा था आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना ये देखिए मैं एक बार दिखा दूँ आपको कि मेरे बच्चे मैंने कहा था आपको कि कुछ भी दे सकते हैं इनको कुछ भी कैश भी दे सकते हैं डिवे कुछ भी दे सकते हैं और मैंने ये भी कहा था कि जो भी कुछ जितना जितना दिया जाएगा क्वेश्चन साफ साफ आपको बताएगा आपको परेशानी थोड़ी है तो ठीक है जी वो कहता है कि आपको यहाँ पे इक्विटी दिया जाएगा तो सॉरी कैश तो कैश भी ठीक है आगे पढ़ना फिर कहता है कि द प्रफरेंस होल्डर टू गेट सेवन प्रोफेंशियर्स ऑफ न्यू कंपनी नई कंपनी में सेवन प्रफेंशियर्स मिलेंगे फॉर एवरी फाइव प्रोफेंशियल फेल्ड ओल्ड में फाइव के बदले में बोलता कि बताओ पीसी अगेन मैथड नहीं बताया लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जान चुके हैं कि यहां पर नेट पेमेंट मैथड ही लगेगा पहला प्रेफरेंस कंपनी में दो मालिक हैं जी इक्विटी एंड उनको कितना कितना क्या क्या पेमेंट किया जाएगा क्वेश्चन आपको यहां पे बता रहा है यहां पे कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ पीसी बाय नेट पेमेंट मेथड है ना हम इस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं आपका तो अब क्या करेंगे टू रिप्रेजेंट्स ओल्ड कंपनी बताओ ओल्ड का नाम क्या है नाम नहीं बता रहा तो मैं इसको लिख दूंगा ब्रैकेट में ओल्ड इन बताओ नई कंपनी का नाम क्या है या तो न्यू कंपनी लिखो या लिख दो राम लिमिटेड ठीक है मैं यहाँ कैलकुलेशन करूँगा जी और फिर यहाँ पे आपका अमाउंट निकालूंगा ओल्ड में बताओ मालिक का नाम क्या है इक्विटी शेयर पहला मालिक नई कंपनी में क्या मिला पॉइंट वन पढ़ के बना पॉइंट uh, वन नहीं मतलब नीचे से फोर्थ लाइन इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर ओल्ड कंपनी की इक्विटी को नई कंपनी में इक्विटी दिया जा रहा है बताओ ओल्ड कंपनी में इक्विटी है कितने नाइन्टी थाउजेंड देखो ना फर्स्ट लाइन नाइनटी थाउजेंड इक्विटी की बात उठ रही है ये इक्विटी का रेशियो था और ये प्रेफरेंस वालों का रेशियो है तो इसको देखेंगे आपको ओल्ड का मेरे बच्चे इक्विटी है ओल्ड का रेशियो बताइए सेवन से डिवाइड नई कंपनी में यानी कि से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना ओल्ड के सेवन बदले में नई कंपनी में तीन तो नाइनटी के बदले में कितना ये देखो क्या निकल के आ रहा है नाइनटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई सेवन इंटू थ्री आपका ओहो ये क्या जो आ रहा बच्चे में यहां लिख रहा हूं ये आ रहा है आपका थ्री uh, एट 571.42857 समथिंग आपको ये निकल गया फ्रैक्शन में आ गया अब मैं क्या करूं आप मुझे बताओ ये फ्रैक्शन में आ गया मतलब ओल्ड कंपनी में अगर सेवन शेयर्स हैं तो नई कंपनी में तीन शेयर्स दिए जाएंगे जब हमने इसको कंप्यूट किया कि 90,000 थाउजेंड के बदले में कितने शेयर्स तो इतने शेयर्स आ गए फ्रैक्शन में अब मैं क्या करूं क्या मैं इसको राउंडिंग अप करके थ्री एट फाइव सेवन वन कर दूं या राउंडिंग ऑफ करके थ्री एट फाइव सेवन टू कर दूं या क्या करूं ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बच्चे अक्सर इसको राउंडिंग अप करते बट आपको करना नहीं पता क्या होगा ऐसे केस में जब ये आपका फ्रैक्शन में आ जाए बच्चे इसमें जो कंप्लीट नंबर आएंगे ना कंप्लीट नंबर इसको ये तो आप इक्विटी शेयर्स में पेमेंट कर दो और जो फ्रैक्शन आएगा क्योंकि फ्रैक्शन में शेयर्स कैन नॉट बी इशूड शेयर्स आधा या टुकड़ा नहीं होता वन टू थ्री होता बच्चे तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट ना आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा हमेशा इसी क्वेश्चन में बात नहीं कर रहा हूं आगे भी कई सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पे यहां पे कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा तो फ्रैक्शन पार्ट विल बी पेड इन कैश एंड द टोटल पार्ट विल बी पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर तो ये हमेशा देखेंगे तो पता मैं क्या करूंगा यहाँ पे यही लिख दूंगा मैं क्या थावन वन पॉइंट फोर टू एट फाइव इतना ले लेते हैं और कहेंगे कि भैया इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर्स मिलेगा कितना मिलेगा तो यहां पर दिखा देंगे थ्री एट फाइव सेवन वन बताओ नई कंपनी में एक शेयर की वैल्यू फिफ्टीन के हिसाब से इन टू फिफ्टीन आपका तो ये अमाउंट कितना निकल के आ गया थ्री एट फाइव सेवन वन आपका फिफ्टीन ये आ गया आपका फाइव लैख सेवेंटी एट थाउजेंड 565 का अमाउंट ये हो गया और बच्चे जो फ्रैक्शन आया था ना वो दिखाइए कैश पेमेंट करते हुए कितना था जी पॉइंट पॉइंट फोर टू एट फाइव इतना भी काफ़ी इतना लिख दीजिए पूरा भी लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाई अगर मैं आपको एक शेयर देता हूं तो 15 का है अगर मुझे फ्रैक्शन का पेमेंट कैश में करना है तो उसी के हिसाब से करूंगा तो आप 15 इंटू पॉइंट फोर टू एट फाइव ये आ गया आपका 6.43 पॉइंट फोर थ्री राउंडिंग अप में सिक्स पॉइंट फोर थ्री आप चाहो तो सिक्स रुपीज़ भी लिख सकते हो राउंडिंग अप में कोई दिक्कत नहीं है मैंने पूरा लिख दिया पैसे के साथ कि सिक्स रुपीज़ फोर्टी थ्री पैसे आपको कैश में दिए जाएंगे क्योंकि ये एक्चुअली ट्रांसफरिंग बैंक ट्रांसफरिंग होता है तो बैंक में फ्रैक्शन में भी ट्रांसफर कर सकते हो बट आपको चिंता नहीं करना अगर आप सिर्फ सिक्स रुपीज़ लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है पूरे मार्क्स मिलेंगे ठीक है ना तो इक्विटी को इक्विटी इक्विटी को कैश मिला आपका जी ये पॉइंट नंबर वन था पॉइंट वन की ओल्ड कंपनी को के okay, सेवन के बदले में नई कंपनी थ्री देगी पर बच्चे फिर से इक्विटी को कैश दिया जा रहा है इक्विटी को कैश और क्या बता रहा है कहता है कि रुपीज पर शेयर गिवन इन कैश टू द इक्विटी शेयर होल्डर ओल्ड कंपनी में जितने भी इक्विटी उनको कहा भाई हम पांच पांच रुपए कैश भी आपको देंगे तो बताओ ओल्ड कंपनी में इक्विटी है कितने नाइनटी थाउजेंड उन्हीं को तो दिया जाएगा हम उन्हीं को तो पेमेंट कर रहे हैं यानी कि नाइनटी थाउजेंड शेयर पे फाइव रुपीज के हिसाब से फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड का हमने यहां पे क्या किया जी कैश पेमेंट भी किया बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना ये कैश पेमेंट क्यों किया बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन ये कैश पेमेंट क्यों किया बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन अगर ये फ्रैक्शन में नहीं आता तो फिर ये पेमेंट नहीं होता अगर है तो ठीक है ये कैश पेमेंट क्यों किया बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट एग्रीमेंट यह कि पांच रुपए परसेंट कैश आपको दिया जाएगा कोई डाउट थोड़े है और ये सारे पेमेंट ये पेमेंट चाहिए, पेमेंट चाहिए पेमेंट चाहिए पेमेंट किसको हो रहा है इक्विटी वालों को हो रहा है इक्विटी वालों को कर रहे हैं है ना अभी तो बात सारी इक्विटी की हुई ना अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस वालों को कि ओल्ड कंपनी में जो सेकेंड मालिक है प्रेफरेंस शेयर उनको नई कंपनी में क्या मिलेगा ये प्रेफरेंस शेयर है ना प्रेफरेंस को सर प्रेफरेंस को हमेशा प्रेफरेंस ही मिलेगा क्या नहीं बच्चे

ओल्ड कंपनी के बैलेंस शीट में प्रेफ्रेंशल्स कितने हैं फिफ्टी थाउजेंड सर सर एक मिनट एक मिनट अभी नहीं अभी पहले मेरी बात सुनो आपकी बात नहीं सुनो अभी ओल्ड कंपनी बताओ प्रिफ्रेंशल्स कितने नंबर पूछा मैंने नंबर तो नंबर तो आपको फिफ्टी थाउजेंड है सर कुछ पेडअप लिखा रहे बदमाश बोला ना भी मत देखो आप कहो कि नंबर बताओ कितना फिफ्टी थाउजेंड रेशियो देखो यहाँ पे ओल्ड का रेशियो कितना फाइव तो फिफ्टी को डिवाइड बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई सेवन कितना आ गया आपका सेवनटी थाउजेंड शेयर नई कंपनी सेवेंटी थाउजेंड प्रेफरेंस शेयर आपको दे रही है और एक शेयर की वैल्यू कहता है कि देखो ना तो नीचे सेकेंड लास्ट लाइन प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू गेट सेवन न्यू कंपनी एट द रेट ऑफ फिफ्टीन आपका इन टू फिफ्टीन तो ये आ गया आपका टेन लैख एंड फिफ्टी थाउजेंड ये आ गया आपका टेन लैख एंड फिफ्टी थाउजेंड तो अमाउंट जो आपका आ गया दिस योर पी सी बताइए कितना आ गया चेक करो फाइव लैख सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव सिक्सटी फाइव प्लस आपका सिक्स पॉइंट फोर थ्री प्लस आपका फोर फिफ्टी प्लस आपका टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड या आगे बचे आपका ट्वेंटी लैख सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव सेवेंटी वन पॉइंट फोर थ्री का अमाउंट एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ पीसी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है आपको पूरे मार्क्स मिल रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं है कि आधा नंबर भी आपका काट लें अपनी कॉपी करें एक सवाल आपको दिमाग में चल रहा है मैं उस सवाल को पहले खत्म कर लूँ उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे और अभी बहुत सारी बातें अगली क्लास में पहले देखिए आपको सवाल क्या है सवाल है कि सर ये क्या किया आपने ये क्या ये तो ठीक है सर ये क्या किया अरे क्वेश्चन में लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर फिफ्टी थाउजेंड तो है एक शेयर दस रुपये का कहता है कि एड पेड अप है एड पेड अप है आपने सर उसको क्यों कंसिडर नहीं किया तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको समझाना मुझे क्यों कंसिडर नहीं किया तो एक बार फिर से मुझे ओल्ड ईस्ट न्यू का यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स वालों का रेशियो क्या था वो लिखना पड़ेगा क्या रेशियो था फाइव इज सेवन अब बातें अपने आप अप क्लियर हो गई आप मुझे बताओ ये फाइव क्या है ये सेवन क्या है ये था कि ओल्ड कंपनी में अगर फाइव प्रेफरेंस शेयर्स हैं नंबर की बात थी कि अगर ओल्ड कंपनी में फाइव प्रेफरेंसर्स हमने पेडअप की बात नहीं की थी कि पेडअप कितना हो कितना नहीं अगर पांच शेयर है तो नई कंपनी आपको सेवन शेयर देने को तैयार है ओल्ड में पांच तो नए में सात अगर ओल्ड में फिफ्टी तो नए में कितना हमने निकाल दिया इसके बाद वो ओल्ड कंपनी का प्रेफरेंस शेयर का पेडअप वैल्यू पांच रुपए दस रुपए एट रुपए सेवन क्या फर्क पड़ता है रेशियो जो था बच्चे जो फैप रेशियो है वो नंबर के बदले में नंबर है ओल्ड में कितने शेयर्स तो नई में कितने शेयर्स ये बात था तो उसके हिसाब से हमने क्या किया क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया क्या दिक्कत है इसके अंदर में समझो मेरी बात तो यहाँ पे हमें पेडअप से मतलब ही नहीं है पेडअप से मतलब तब होता जब यहाँ पेडअप का रेशियो होता है ये तो नंबर के बदले में नंबर है पांच अगर है तो हम सात अगर फिफ्टी तो कितना देंगे काम खत्म ठीक है ना ये सर कोई सवाल सर एक सवाल तो दिमाग में है मेरे बच्चे आप चिंता ना करो शायद मैं उस सवाल जानता हूँ लेकिन उस सवाल को आज उठाने का फायदा नहीं है क्योंकि अगर मैं उठा दूंगा तो जिन बच्चों के दिमाग में सवाल नहीं आया होगा वो थोड़े से अभी अगली क्लास का वेट नहीं करेंगे और थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा खैर वो बहुत सारी बातें अभी अगली क्लास में करनी है और सबसे मेन चीज़ की ये स्वैप रेशियो जो है ना ये स्वैप रेशियो ये निकलता कैसे है इसका कंपिटिशन कैसे होता है स्वयप रेशो फाइव इफाइड होता है इन सारी बातों को अभी सीखना बाकी है मेरे बच्चे अगली क्लास में अगली क्लास में इसके अभी इंडेप्स में एंट्री करूंगा और बिलीव कीजिए अगली क्लास के बाद अभी आप इतने मस्त होने वाले हैं इतने मस्त होने वाले हैं कि क्या बताऊं मैं आपको चलिए आज यहीं पर रुकते हैं अगली क्लास में मिलते हैं इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए इसी के आगे कंटिन्यू करने के लिए आप सबको मेरे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा थैंक यू बच्चों थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू हेलो बच्चों कैसे हैं आप मैं सी ए सी एम संतोष कुमार मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ सीओ सी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड मेरे बच्चों इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स से किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टीड आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टीडेंस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए मेरे बच्चों कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करोल मिश्रा हेलो मई नेमशिकाइंगी राहुल मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ आपको